हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ऑल गुड। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और उनके बाद फिर उन्हें अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग के अंदर हम बात करेंगे कि आपका जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है उसमें कितनी चीजें होती हैं, कैसे कैसे होता है, सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। याद रखना गाइस, जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स बने हैं, इनमें कहीं ना कहीं वेदरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर मैं बात करूं अरावली हिल्स की, तो आज आपको जो प्रेजेंट कंडीशन दिखती है अरावली हिल्स की, वो कहीं ना कहीं आपको डिफर दिखेगी जैसी वो आज से मिलियंस ऑफ इयर्स पहले थी। रीजन क्या है? वेदरिंग हुई है। अगर हम बात करें, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स देखने को मिलेंगी, आपको डेजर्ट्स में अलग अलग टाइप की मशरूम रॉक्स देखने को मिलेंगी, आपको अलग अलग तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी इस पूरी अर्थ सरफेस के ऊपर। ये सभी जितनी भी चीजों का फॉर्मेशन हुआ है, ये सब वेदरिंग के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है गाइस? सर, वेदरिंग के कारण हुआ है। और उसके बाद एक चीज आती है इरोजन। ये दोनों चीजें जब एक साथ रोल प्ले करती है, दैट इज वेदरिंग और इरोजन, तो आपका एक अलग लैंडफॉर्म का क्रिएशन होता है। अभी मैं बहुत अच्छे से सारी चीजों को कवर करूंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको समझ में आएगा कि आपकी केमिकल वेदरिंग क्या होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, उसी के साथ साथ फिजिकल वेदरिंग है, उसमें अलग अलग टाइप की कौन कौन सी होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण फिजिकल वेदरिंग होती है, एक्सफोलिएशन क्या होता है जिसको हम ओनियन पिलिंग के नाम से जानते हैं, उन सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा डिले नहीं करते, आपके सामने यहां पर ये दिख रही होंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक। गाइज, इन सभी रॉक की वेदरिंग हुई है। वो अलग अलग टाइप से हो सकती है, किसी की केमिकल हुई होगी, किसी की फिजिकल हुई होगी, किसी की बायोलॉजिकल हुई होगी। आपके माइंड में बहुत देर से चल रहा होगा, सर ये बार बार वेदरिंग बोल रहे हो, ये वेदरिंग आखिरकार होता क्या है? उसको आज मैं बहुत डिटेल में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, आपको जितने भी लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वो बन कैसे रहे हैं, ये वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आज के सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक। I have a teaching experience of more than 6 years. I taught and mentor more than thousands of offline students and lakhs of online students. वहीं पर गाइस अगर हम बात करें अनअकैडमी, लास्ट ईयर अनअकैडमी का जो फाइनल रिजल्ट रहा यूपीएससी का, उसमें 333 स्टूडेंट अनअकैडमी के हैं फ्रॉम 933, दैट मींस एवरी वन थर्ड स्टूडेंट जो है वो अनअकैडमी ने दिया है। रीजन है, यहां पर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलती हैं। बहुत ही क्वालिटी एनालिसिस के साथ आपको कंटेंट डिलीवर किया जाता है, प्रॉपर बेस्ट टीम के द्वारा रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस होती हैं, सारी चीजें कवर होती हैं। और उसी के साथ साथ आपको मेरी प्लस के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है, और अभी 13th of July से जो आने वाला है इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है विद डिटेल के साथ प्लस पर, जो कि बहुत क्वालिटी कंटेंट के साथ है। वहीं पर गाइस बात करें अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के अंदर गाइस कल लास्ट डेट है। अगर आप इस ऑफर को लेते हो तो जो आपका 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी फीस 62,000 है। जैसे ही आप AM10 कोड यूज करते हो ये रिड्यूस हो जाती है। वहीं पर प्लस की जो 81,000 है 24 मंथ्स की, वो आपकी रिड्यूस हो जाती है फाउंडेशन बैच, यानी कि 2 ईयर का जो बैच है रिड्यूस होकर 53,000 हो जाती है जैसे ही आप AM10 कोड यूज करते हो। दैट मीन्स अगर आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहां पर आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, और कल आखिरी दिन है। इसके बाद आपको कभी ये जो ऑफर है ये कल के बाद अभी मिलेगा नहीं, बाद में पता नहीं होगा कैसे, तो आप इसको ले सकते हो यूजिंग द कोड कैपिटल AM10। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कोई भी डाउट है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, unacademy_anirudhmalik टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लोन के रिगार्डिंग कोई इशू है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी।
किसी भी तरीके से सब्सक्रिप्शन में कोई इश्यू है, मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ आपको मेरे एंड से मिलेंगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस अप्रोच में पढ़ना है, सारी चीजों में आपको हेल्प होगी। बस आपको ये सिंपल कोड यूज करना है, बाकी फिर हम चीजों को बहुत ही वेल प्लान्ड मैनर में पढ़ने वाले हैं, कवरेज करने वाले हैं। उसी के साथ साथ ये आपका 1 ईयर का आरंभ बैच और फाउंडेशन ईयर 2 ईयर्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो इसमें डिले मत कीजिए बिल्कुल भी। ओके, कल आखिरी दिन है। वहीं पर अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो यूजिंग द कोड AM10, तो आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे या 2 ईयर का और आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, तो मेंस का रहना खाना दिल्ली के ऑफलाइन सेंटर में फ्री है, मेंस क्लियर होता है, इंटरव्यू गाइडेंस फ्री है, इंटरव्यू क्लियर होता है तो फुल मनी आपकी रिफंड कर दी जाएगी। दिस इज द बेस्ट टाइम आपके पास है इस अप्रोच को कवर करने के लिए। वहीं पर ग्रुप मेंटरशिप और 1-to-1 मेंटरशिप अनअकैडमी एक मार्गदर्शक प्रोग्राम लेके आया है, जिसके अंदर आप AM10 कोड यूज करके इस मेंटरशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसी के साथ साथ गाइज, मेरी एक संकल्प मेंटरशिप चल रही है, ये संकल्प फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैं ज्योग्राफी के टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस रोज डेली 12 बजे दोपहर को कवर करता हूं, जिसके अंदर जो भी स्टूडेंट टॉप करता है उसको मैं एक स्टूडेंट को रेगुलर बेसिस पर फ्री मेंटरशिप करता हूं। और यहां पर सिर्फ आपको AM10 कोड यूज करके रेगुलर बेसिस पर दोपहर 12 बजे अनअकैडमी ऐप पर आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और कल हमारी 3 क्लासेस हैं ऐप पर, एक मॉर्निंग में 9 AM है, जिसके अंदर एनवायरमेंट के टॉप क्वेश्चंस करेंगे, जो MCQ है, 12 PM संकल्प है, और उसके बाद 3 PM हमारा किसका सेशन है, आपका 3 PM पर पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस है। और याद रखना, कल हमारा सेशन 9 PM पर नहीं होगा, ये वाला कल का जो हमारा सेशन है वो होगा 7 PM पे। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक, ये आज 14 लेक्चर्स हो जाएंगे, जितने भी जियोमॉर्फोलॉजी के ये 14 लेक्चर्स किए हैं, एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस तो कर ले। तो कल आपका 7 PM MCQ क्वेश्चन का सेशन है, एक 2-3 घंटे का सेशन होगा, 1 से लेके 14 तक जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि आप उस लेवल पर क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कल मिलेंगे शाम 7 बजे अनअकैडमी के यही इसी YouTube चैनल पर, जिसमें चीजें डिस्कस होने वाली हैं। आपका फाउंडेशन बैच है, वहीं पर आप लोन के थ्रू लेना चाहते हो तो आप AM10 कोड के ही थ्रू लीजिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को मेंटरशिप गाइडेंस में प्रॉब्लम होती है। और कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई हेल्प यू आउट। ऑप्शनल है, सब कुछ है, दैट मीन्स एक ही जगह पूरा बैच है, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू, और अगर उसके आगे एक कोड लग जाता है तो फिर आपको और हेल्प होगी सब्सक्रिप्शन में सारी चीजों के साथ। आते हैं अपने टॉपिक को लेके, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सोजेनिक फोर्सेस। फटाफट जितने भी स्टूडेंट हैं, फटाफट जल्दी से एक बार सेशन के अंदर ज्वाइन हो जाइए। ईद मुबारक गाइज, ईद मुबारक सभी को, सभी के लिए मेरी तरफ से सभी को ईद मुबारक, जो भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज का टॉपिक, फटाफट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखिए गाइस, अगर हम बात करें एक्सोजेनिक फोर्सेस होती क्या है, एक चीज बताता हूं मैं आपको, हमारी जो अर्थ है ना, बहुत आराम से सुनना, आज का सेशन है ना, मैं आपसे बस ये बोलना चाहता हूं, आप मुझे अराउंड 70-75 मिनट दे देना आने वाले, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स यहीं से बना लेना या कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर दूंगा, बता दूंगा NCERT है, एक GC लियोंग है, उससे चीजों को लिंक करना, और उससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस में जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस डेप्थ में कवर कर रहा हूं, और जो थोड़े बहुत टॉपिक है जो अलग है, जो इन कोर्स से अलग है, वो मैं बाद में अपने आप ही कवर करूंगा। 2 से 3 महीने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 से 3 महीने सिर्फ मैं आपसे बोल रहा हूं। ये 9 PM का सेशन है, जिसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी, इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, इसके बाद ओशनोग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर, ये 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, इतना बड़ा पोर्शन, जो कि अब की बार UPSC में 35 से 36 मार्क्स आपके यहां से कवर किए हैं, 36 मार्क्स, यानी कि 18 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली ज्योग्राफी से है, तो कितना बड़ा चंक ऑफ नंबर्स का जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली यहां से पूछा गया है। तो इसलिए बोल रहा हूं 2 से 3 महीने दीजिए, फ्री में बहुत क्वालिटी कंटेंट है, और ऐप पर MCQ सीरीज है 12 बजे दोपहर, ये अगर कर लेते हो, उसके बाद मिलेंगे 3 महीने बाद, अगर चीजें क्लियर नहीं होती तो हम बात करेंगे आप और हम बिल्कुल अच्छे से। मोर देन इनफ है यार, मोर देन इनफ है, माजिद हुसैन को ज्यादा मत पढ़ना, परेशान हो जाओगे। कुछ चीजें हैं मिनरल्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन है, वो मैं बताऊंगा, वो पढ़ना,
पूरा मत पढ़ना, जो मैं आपको जितना बता रहा हूं उससे बाहर मत पढ़ना। माजिद हुसैन का जो सेक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये सेक्शन है माजिद हुसैन के, 3-4 चैप्टर्स हैं, वो वहां से पढ़ना, उसके अलावा मत छेड़ना, खो जाओगे। मैं बता रहा हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन में खो जाओगे। लिमिटेड है, मेरा काम मेरे पे छोड़ दीजिए। ये सारा कंटेंट कहाँ से लाना है, बेस्ट पॉसिबल कहाँ से करना है, वो मैं करूँगा, ठीक है? आप इतना परेशान मत होइए, ओके? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्सेस के बारे में। देखिए गाइज, हमारी जो अर्थ है ना, इसके ऊपर अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं। उसमें आपके सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन लैंडफॉर्म्स के बारे में, जस्ट गिव मी वन मिनट, अगर मैं इन लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करूं तो ये लैंडफॉर्म्स हमने बताए थे दो टाइप के। सबसे पहले है एंडोजेनिक फोर्सेस, जिसको मैं अभी आपके सामने कल परसों की जो लास्ट क्लास थी उसमें कवर कर चुका हूं। एंडो मतलब ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से लगती है। इसके अंदर मैंने आपको दो फोर्सेस पढ़ाई थी, रिविजन भी करता रहूंगा। इसके अंदर मैंने आपको दो फोर्सेस पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने डायस्ट्रोफिज्म पढ़ाया था और उसी के साथ साथ मैंने सडन फोर्सेस पढ़ाई थी। डायस्ट्रोफिज्म के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था वो फोर्सेस जो स्लोली एक्ट कर रही हैं, जिसके अंदर मैंने एप्रोजेनिक बताया था और ओरोजेनिक बताया था। एप्रोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, उसमें मैंने अलग अलग तरीके से समझाया था। दूसरी है माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, जिसमें मैंने फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, फॉल्ट्स, इन सब के बारे में बताया था। दूसरी है सडन फोर्सेस, सडन फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर से लग रही हैं, जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक है। तो दैट मींस एंडोजेनिक वो फोर्सेस होती है जो अर्थ के इंटीरियर से लग रही हैं। अब दूसरी जो फोर्स है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, अब आपके माइंड में आएगा सर ये एक्सोजेनिक फोर्स कौन सी होती है। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होती है जो सरफेस के ऊपर लग रही है, अंदर से जो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन कर रही है वो एंडोजेनिक है, और जो सरफेस के ऊपर फोर्स लग रही है, जो हमारी अर्थ है इसके सरफेस के ऊपर लग रही है, उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। इसके कारण आपके जो लैंडफॉर्म्स हैं वो आपके डिस्ट्रॉयड, क्रिएट दोनों तरीके से होते हैं। बट याद रखना, एंडोजेनिक फोर्सेस को हम कंस्ट्रक्टिव फोर्स बोलते हैं, दैट मीन्स ये लैंडफॉर्म का क्रिएशन करती है, और वहीं पर एक्सोजेनिक जो फोर्स है इसको डिस्ट्रक्टिव फोर्स बोलते हैं। बताया जाता है कि ये लैंडफॉर्म को डिस्ट्रॉयड करती है, इरोड करती है, वेदरिंग होती है। ये चीजें आपको समझनी होंगी, क्लियर है? अब मैं आपके सामने आगे बात करता हूं। अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। सर जो एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब जो हमारे सरफेस के ऊपर लग रही है, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हमारे सरफेस के ऊपर लग रही है, ये दो टाइप की होती हैं। इनमें सबसे पहली होती है वेदरिंग, और दूसरी होती है हमारी इरोजन। मतलब सरफेस के ऊपर ये दो फोर्सेस है जो हमारे लैंडफॉर्म को क्रिएशन करने में हेल्प करती हैं। याद रखना, वन इज वेदरिंग एंड सेकेंड वन इज इरोजन। अब आपसे कोई पूछे कि सर ये सब चीजें हो कैसे रही हैं? अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी रिवर फ्लो कर रही है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लेशियर मूव कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सब एक तरीके का वेदरिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये क्या हो रहा है गाइस? सब एक तरीके से वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेदरिंग की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग कौन सी होती है? फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल के अंदर कौन कौन से डिसइंटीग्रेशन आते हैं, उसके साथ साथ बायोलॉजिकल कैसे है और आपकी केमिकल कैसे है। फिर हम इरोजन को डिस्कस करेंगे, इरोजन मतलब क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदरिंग के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं गाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जो हमारी अर्थ पर ये सारा प्रोसेस हो रहा है वेदरिंग का, ये कैसे हो रहा है? क्या अभी आपने सोचा? सर इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ एनर्जी। विदाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी ये वेदरिंग का जो प्रोसेस है, जो ये इरोजन का प्रोसेस है, ये जो लैंडफॉर्म का डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन का प्रोसेस है, ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं पाता। सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे सन की हीट है, सन से जो एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है हमारे जितने भी वेदरिंग के प्रोसेस हो रहे हैं।
बिकॉज यही एनर्जी, यही हीट हमारा रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी विंड का मूवमेंट हो रहा है. क्यों? क्योंकि अलग अलग एरिया पर टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है जिसके कारण विंड चल रही है. विंड कब चलेगी? जब आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर होगा. अगर सब जगह सेम टेम्परेचर होगा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा तो विंड मूव नहीं होगी. तो याद रखना, जो हमारी जितनी भी वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है उसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबल फोर्स है जो है आपकी सन की. सन की फोर्स के बिना हमारा वेदरिंग का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो पाता. तो अगर हम बात करें जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो हमारी अर्थ के सरफेस पर हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. वो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो सरफेस के ऊपर हो रहे हैं, याद रखना, क्लियर है? एक्सोजेनिक फोर्सेस राइज टू जियोमॉर्फिक मूवमेंट और आप बोल सकते हो वेदरिंग या इरोजन. ये दो टाइप के होते हैं, याद रखना. समझने की कोशिश करना, अब मैं एक एक करके आपके समझाऊंगा. सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि सर वेदरिंग क्या होती है, अगर आपसे पूछे वेदरिंग क्या होती है तो आपको बताना है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. मैकेनिकल, याद रखना, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब हमारी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना, ब्रेक होना मैकेनिकली, और क्या होना, केमिकल डीकंपोजिशन होना, केमिकली डीकंपोजिशन होना. समझने की कोशिश करना, मैकेनिकली डिसइंटीग्रेशन होना और केमिकली डीकंपोजिशन होना. मतलब मैकेनिकली मतलब किसी प्रेशर से, किसी फोर्स से, फिजिकली किसी चीज के कारण हमारी रॉक का ब्रेक होना, उसको बोलते हैं मैकेनिकली डिसइंटीग्रेशन होना, रॉक का ब्रेक होना. और केमिकली डीकंपोजिशन होना मतलब जब हमारी रॉक के साथ कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो रॉक का ब्रेक होना, डीकंपोजिशन होना. अगर मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के बारे में तो मैं बात कर रहा हूं फिजिकल वेदरिंग के बारे में. अगर मैं बात कर रहा हूं केमिकल डीकंपोजिशन के बारे में तो मैं बात कर रहा हूं केमिकल वेदरिंग के बारे में. और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूंगा. समझ में आ गया? क्लियर है? तो और अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, बिल्कुल लेमेन लैंग्वेज में बोलूं, तो आपका मतलब होना चाहिए कि ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, रॉक का टूटने का मतलब होता है वेदरिंग. समझने की कोशिश करना, रॉक का टूटना वेदरिंग प्रोसेस कहलाया जाता है. तो आप बोल सकते हो डिसइंटीग्रेशन होना या डीकंपोजिशन होना रॉक का, उसको वेदरिंग बोलते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वेदरिंग होने के बाद, अगर ये हमारी रॉक है, इसकी वेदरिंग हो गई, इट मींस इसका कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता वेदरिंग में. अगर यहां पर हमारी रॉक है और ये रॉक यहां पर वेदर्ड हो गई, ब्रेक हो गई, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई, तो एक ही जगह पर वो रहेगी, मूव होके दूसरी पोजीशन पर नहीं जाएगी. क्योंकि जो मूव होके दूसरी पोजीशन का रोल है वो इरोजन का रोल है, वेदरिंग का रोल नहीं है. तो याद रखना, वेदरिंग का मतलब होता है किसी भी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना, किसी भी रॉक का डीकंपोजिशन होना, उसको वेदरिंग बोलते हैं, याद रखना. समझ में आ गया? अब मैं अलग अलग टाइप से आपको वेदरिंग पढ़ाऊंगा, किस टाइप से होती है, कैसे कैसे. अब आप बोलोगे सर एक बहुत अच्छी चीज समझाइए हमें. मैं बोलूंगा बिल्कुल समझाता हूं. सर अगर हम यहां पर चीजों को नोटिस करें, अगर हम यहां पर नोटिस करें हमारी जो अरावली हिल्स है, यहां पर आप अरावली हिल्स की हाइट देखोगे, गुरु शिखर, यहां पर हाइट बहुत ऊंची है, ठीक है. उसके बाद अरावली हिल्स की जो हाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. क्या आपने सोचा ऐसा क्यों है? क्या आपने सोचा कि सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अरावली हिल्स की वेदरिंग हुई है. अरावली हिल्स की वेदरिंग हुई है. सर वेदरिंग हुई है तो ये पूरी डिसइंटीग्रेट क्यों नहीं हुई है? ये पूरी क्या नहीं हुई है, पूरी ब्रेक क्यों नहीं हुई है, अनइवन क्यों ब्रेक हुई है? सर इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ना, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक. यहां पर जो अरावली हिल्स है, यहां पर रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है? जहां पर हार्ड रॉक होगी वो इजिली वेदर्ड नहीं होगी,
और जहां पर सॉफ्ट रॉक होगी उसकी वेदरिंग इजी हो जाएगी. दैट मींस द अरेंजमेंट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, वो सॉफ्ट और हार्ड रॉक किस तरीके से अरेंज की गई है उस बेसिस पर वेदरिंग होती है. जहां पर हार्ड रॉक होगी वहां पर वेदरिंग होना उतना ही डिफिकल्ट होगा, अगर सॉफ्ट रॉक होगी तो वहां पर वेदरिंग और आसानी से हो जाएगी. तो यही रीजन है कि जो हमारी अरावली हिल्स है वो कहीं पर अनइवन हाइट है. आप आओगे उसके बाद दिल्ली तक, आप आओगे अजमेर, उसके बाद अगर आप आगे की तरफ आते आते आप यहां पर देखोगे उसकी हाइट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर है? क्यों, रीजन क्यों है? क्योंकि वहां पर रॉक अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, वहां पर सॉफ्ट और हार्ड की जो लेयरिंग है वो अलग अलग तरीके से है. जहां पर हार्ड रॉक है वो वेदर नहीं हुई, जहां पर सॉफ्ट रॉक है उसकी वेदरिंग हो गई. ये चीज आपको याद रखनी है. कितने स्ट्रैंड को चीजें समझ में आ गई. अब मैं एक एक करके बहुत अच्छे से चीजें समझाऊंगा, फिर आपको क्लियर होगी. तो आते हैं हम आगे की तरफ. ये बात हो गई वेदरिंग की. अब आपसे कोई भी कुछ पूछे, ये वेदरिंग हो चुकी है. अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जिसके कारण एक्सोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं. दैट मीन जो हमारी सरफेस है उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं जिसके कारण आपका वेदरिंग हो रही है, आपकी जो चीजें हैं वो वेदर्ड हो रही हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सोजेनिक प्रोसेस है ना, वो डायरेक्ट रिजल्ट है सन के हीट का. याद रखना ये सन का हीट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा. सर अरावली हिल्स किस स्टेट में? अरे भैया गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात के बाद राजस्थान में मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी, यूपी में, इसमें दिल्ली में मिलेगी, इन सभी स्टेट के अंदर मिलेगी अरावली हिल्स आपको. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. सो एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है उनके मूवमेंट का, उनको वेदर करने का? सबसे इंपॉर्टेंट है सन की हीट. जो सन की हीट है वो सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वेदरिंग करने के लिए. दूसरा क्या है, जो सन की एनर्जी है उसी के कारण तो सारी चीजें हो रही हैं. रेनफॉल क्यों हो रही है आप मुझे बताइए, कोई भी रॉक टूटती क्यों है, कोई भी चट्टान टूटती क्यों है, उसकी वेदरिंग होती है. वेदरिंग कौन करता है? सर हमारी बारिश रेनफॉल करती है. रेनफॉल कैसे होती है? सर जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो विंड का मूवमेंट होगा. विंड इधर से मॉइस्चर उठाएगी, दूसरी जगह मॉइस्चर लेके जाएगी. विंड जब आपका टेम्परेचर हाई होगा कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी. तो प्रेसिपिटेशन किसके कारण हो रही है? सन की हीट के कारण हो रही है. विंड क्यों मूव कर रही है? सन की हीट के कारण जो टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसके कारण. और यही सारी फोर्सेस हैं जो वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो याद रखना विंड प्रेसिपिटेशन आर द डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट पैटर्न्स जो कि सन से आपके डायरेक्टली रिलेट करते हैं जिसके कारण वेदरिंग हो रही है. ओके, सन हीट अलोंग विद वेदरिंग पैटर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द अर्थ मटेरियल. दैट मीन जो हमारी स्ट्रेस पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है जो हमारा वेदरिंग पैटर्न है अर्थ के मटेरियल पर और इरोजन और वेदरिंग के प्रोसेस होने पर. समझ में आ गया? अब मैं आगे बात करता हूं बहुत अच्छे अच्छे से. दूसरा क्या है, अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्टेड टू द मॉलिकुलर स्ट्रेस. अब जो हमारे मॉलिकुलर स्ट्रेस है उस स्ट्रेस के कारण भी तो क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रही है. और वो मॉलिकुलर स्ट्रेस किस वजह से बढ़ रहा है? टेम्परेचर चेंज होने के कारण. टेम्परेचर चेंज होने के कारण मॉलिकुलर स्ट्रेस कैसे पड़ रहा है? जब दिन में धूप बहुत तेज होगी तो क्या होगा, जो हमारी रॉक है ना ड्यू टू द हाई टेम्परेचर वो क्या करेगी, वो एक्सपेंड करेगी, क्या करेगी, फैलेगी. और जब नाइट टाइम होगा टेम्परेचर लो होगा तो वो ठंडी होगी तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपेंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी. तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस लगेगा. किसके कारण? ड्यू टू द टेम्परेचर डे और नाइट के कारण. टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण जब गर्मी होगी तो एक्सपेंड करेगी, ठंडी होगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगी. जिसके कारण अगर आप किसी चीज को एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और क्रैक्स आने के बाद वो धीरे धीरे टूट के गिरने लगेगी और वेदरिंग का प्रोसेस हो जाएगा. ओके, उसी के साथ साथ केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस भी बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है. आपको मैं बताता हूं, मेरे पास यहां पर एक रॉक है, मेरे पास यहां पर रॉक है. जब मैं केमिकल वेदरिंग पढ़ाऊंगा ना तो और डिटेल में जाऊंगा, बट अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. उसमें मैं ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा, रिडक्शन पढ़ाऊंगा, कार्बोनेशन पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको आगे चीजें क्लियर होंगी. मान के चलिए मेरे पास एक रॉक है,
इस रॉक के अंदर आयरन कंटेंट है। अब क्या हुआ, हमारा जो वाटर है, हमारी जो ऑक्सीजन है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, जब हमारी रॉक की वेदरिंग होगी, वेदरिंग होने के साथ साथ रॉक एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसमें क्रैक पड़ जाएंगे। अब क्रैक पड़ेंगे तो क्या होगा, जब हमारी ऑक्सीजन O2 ये रिएक्ट करेगी किसके साथ, आयरन के साथ, समझने की कोशिश करना, Fe2O3 के साथ, Fe2O3 या आप बोल सकते हो Fe2 थ्री पॉजिटिव। तो जब ऑक्सीजन और ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, दैट मींस रस्टिंग होगी। रस्टिंग जो आपने जंग लगना देखते हो, जंग लगता है, आपने लोहे की जो चीजें होती हैं उसमें जंग लग जाता है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। तो आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो केमिकल रिएक्शन होगी, रस्टिंग होगी। यही चीज होती है हमारी रॉक में, क्योंकि जितनी भी हमारी इग्नीशियस रॉक है, दैट मींस वो एरिया जहां पर हमारी इंटीरियर से हमारा मैग्मा निकल के सॉलिडिफाइड हुआ है, वहां पर आपको उस रॉक के अंदर आयरन का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। याद रखना, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, दैट मींस हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, वहां से जो नीचे से मैग्मा निकला है, वो आपका उसके अंदर आयरन कंटेंट है। और आयरन कंटेंट है तो क्या होगा, जैसे ही वो रॉक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी, वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी तो रॉक ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी तो वेदरिंग का प्रोसेस होगा। और याद रखिए, हम बात करते हैं कि हमारा रेड सॉइल कहां पर मिलती है, हमारी रेड सॉइल कहां पर मिलती है, सर रेड सॉइल मिलती है हमारा जो महाराष्ट्र एमपी जो डेक्कन वाला पार्ट है, वहां पर देखने को मिलती है, पेनिनसुला प्लेटू पर देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है पेनिनसुला प्लेटू पे, सर क्योंकि जो वहां से नीचे से मैग्मा निकला था, और जब मैग्मा निकला तो हमारे अर्थ के इंटीरियर से जो आयरन है वो भी उस मैग्मा के साथ आया, तो वो जब हमारी रॉक सॉलिडिफाइड हुई तो हमारा मैग्मा के अंदर आयरन भी सॉलिडिफाइड हो गया, और जब उस रॉक के अंदर टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्रैक्स पड़े तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ने उस आयरन के साथ रिएक्ट कर लिया, रस्टिंग हो गई, वेदरिंग हो गई। और जो आपकी रेड सॉइल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रेड कलर क्यों है उसका, ड्यू टू द आयरन प्रेजेंस। तो ये लॉजिक है, ये ज्योग्राफी पढ़ने का एक तरीका है। समझ में आ गया ये क्या है, एक पूरा प्रोसेस है चीजों को लिंक करने का। अब आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारी चीजें लिंक होती जा रही हैं। समझ रहे हो उस लिंकेज को, कि हमारी रेड सॉइल कहां पर मिलेंगी। हमेशा याद रखना, रेड सॉइल वहां पर मिलेंगी जहां से हमारा मैग्मा इग्नीशियस रॉक होगी। इग्नीशियस रॉक होगी तो अंदर से आयरन आएगा, आयरन आएगा तो जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो रस्टिंग होगी, रेड कलर की वेदरिंग होगी, रॉक्स ब्रेक होंगी छोटे छोटे पार्टिकल में, इरोजन होगा, सॉइल बनेगी और रेड सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल का, येल्लो सॉइल किस वाले पार्ट पे देखने को मिलती है। तो इसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोसेसेस। उस केमिकल प्रोसेस के साथ साथ आपकी वेदरिंग का प्रोसेस होता है। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग सेपरेटिंग, मतलब स्ट्रेस का मतलब होता है एक तरीके से फोर्स लगाना, प्रेशर लगाना। और जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है तो वहां पर स्ट्रेस लगती है रॉक के ऊपर, सॉरी टेम्परेचर चेंज होता है तो आपस में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो स्ट्रेस लगने के कारण रॉक डिसइंटीग्रेट होती है, ब्रेक होती है, और उसका वेदरिंग का प्रोसेस होता है। अभी मैं आगे चल के एक एक सारे वेदरिंग के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। उसके बाद हम बात करते हैं डेन्यूडेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज डेन्यूडेशन। वेदरिंग में अभी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सारी चीजें आपके सामने स्टार्ट होने वाली है। ऑल द एक्सोजेनिक प्रोसेस, वेदरिंग हो या इरोजन, आर जनरल टर्म, उसको क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का मतलब होता है कोई भी चीज का अनकवर होना, स्ट्रिप ऑफ होना, ब्रेक होना। मतलब मेरे पास रॉक है और रॉक ब्रेक हो गई, टूट गई, छोटे छोटे पार्ट में बिखर गई, उसका मतलब है डिसइंटीग्रेशन या डेन्यूडेशन होना, उसको ब्रेक होना, स्ट्रिप ऑफ होना। या तो रॉक के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जो लेयर है, वो स्ट्रिप ऑफ हो गई, वो उखड़ गई, या वो अलग अलग पीसेस में ब्रेक हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन। तो याद रखना, द वर्ड डिन्यूड मीन्स स्ट्रिप ऑफ एंड टू अनकवर। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक रॉक है, इसका जो ऊपर का पोर्शन है ये स्ट्रिप ऑफ हो चुका है, हट चुका है, या ये अनकवर हो चुका है, इसको बोलते हैं डेन्यूडेशन। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन। ये चीज याद रखना। अब आते हैं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, डेन्यूडेशन कैसे कैसे होता है सारी चीजों का।
अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप परेशान मत होना, आराम से सुनते चले जाना जो चीजें मैं बता रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि हमारी जो वेदरिंग है उसमें अपने आप इरोजन होता है, याद रखना कभी नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ आउटसाइड फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, हमें विंड की जरूरत पड़ेगी, हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास यहां पर रॉक है, ये रॉक देख रहे हो, इस रॉक की वेदरिंग हो चुकी है, इस रॉक की वेदरिंग हो चुकी है, चाहे किसी भी टाइप की हुई हो, केमिकल हुई हो, फिजिकल हुई हो, बायोलॉजिकल हुई हो। बायोलॉजिकल तो लग नहीं रही किसी तरीके से, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, बट मैं आपको बता रहा हूं इस रॉक की वेदरिंग हुई है। ये डेजर्ट वाला एरिया है, अभी मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि डेजर्ट किस एरिया में मिल रहे हैं। याद रखना जहां पर डेजर्ट मिल रहे हैं ना, वहां पर प्लेट्यू जरूर मिलेंगे। आप सहारा डेजर्ट में जाइए, वो प्लेट्यू वाला पार्ट है। आप अरेबियन डेजर्ट में जाइए, प्लेट्यू वाला पार्ट है। आप कालाहारी डेजर्ट में जाइए, प्लेट्यू, नाबी डेजर्ट में प्लेट्यू, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट है, प्लेटू वाला पार्ट है। एटागामा डेजर्ट में जाइए, पैटागोनियन प्लेटू, पैटागोनियन डेजर्ट। दैट मींस क्या हुआ है, वहीं पर वो प्लेटू का पोर्शन है, उसी की वेदरिंग हुई है, वेदरिंग होके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसी से डेजर्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये चीजें भी समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर चीजों को लिंक कीजिए, हर चीजों को लिंक करने की कोशिश कीजिए। गोबी डेजर्ट इज डिफरेंट, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉट डेजर्ट, जो हमारे हॉट डेजर्ट है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। वहां पर सब प्लेट्यू रीजन है। अब यहां पर ये प्लेट्यू है इस तरीके से, अब इस प्लेट्यू की वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने के बाद इसके छोटे छोटे सेडिमेंट्स इरोड हुए, और वही तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हमारे डेजर्ट में स्प्रेड होंगे। जब ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स उतर के यहां पर गिर पड़े, अब गिरने के बाद इनको कहीं मूव भी तो होगा, मूव कैसे होगा, इरोजन के थ्रू होगा। इरोजन कौन करेगा, विंड करेगी, और कौन करेगा सर, इरोजन करेगा हमारा वाटर, और कौन करेगा सर, इरोजन करेगा ग्लेशियर। इस तरीके से हमारा इरोजन होता है, यहां पर कौन कर रही है, यहां पर विंड कर रही है इरोजन। ये विंड क्या करेगी, इसको मूव करके लेके जाएगी, और डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होगा अलग अलग पार्ट पर। समझ रहे हो चीजों को, तो आपके माइंड में लिंकेज होना स्टार्ट हो जाएगी कि कहीं पर भी क्या चीज कैसे बन रही है। रेड सॉइल आई तो आई कैसे, क्यों, क्योंकि वहां पर इग्निशियस रॉक होगी, वहां पर नीचे से जब मैग्मा निकला होगा, रॉक का सॉलिडिफिकेशन हुआ होगा, तो वहां पर उसमें आयरन प्रेजेंट होगा, आयरन होगा तो उस रॉक का रिएक्शन हुआ होगा ऑक्सीजन के साथ, और वहां पर जो रॉक के अंदर आयरन है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर ऑक्सीडेशन हो गया, ब्रेक हो गई, रस्टिंग हो गया, तो रस्टिंग होने से वो रेड सॉइल में कन्वर्ट हो गया वेदरिंग होने के बाद, और रेड सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन है, और जो उसका रेड कलर है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। सिंपल सा पॉइंट है ना, क्यों है उसका रेड कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन है। यही तो चीजें हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें बनी है वो बनी कैसे हैं, हम बाद में बात करेंगे उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, किस किस चीज के लिए अच्छी होती है, कौन कौन सी क्रॉप हम उसमें लगा सकते हैं, पर पॉइंट है वो बनी कैसे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, और उसके बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो जियोमॉर्फोलॉजी बताता है, वो बताती है फोर्सेस एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक कि किस किस तरीके से चीजें हो रही हैं। समझ में आ गया, सब बताऊंगा, एक एक चीजें आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। डेजर्ट फॉर्मेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, ड्राई कंडीशन होनी चाहिए, सूखी कंडीशन होनी चाहिए, हार्श कंडीशन होनी चाहिए, बट उस हार्श कंडीशन में जो हम हॉट डेजर्ट की बात करते हैं उसमें जो रेत होता है वो रेत कैसे आता है, वो सैंड कैसे आता है, वेदरिंग होती है जो हमारे डेजर्ट्स में रॉक्स हैं उनकी, जो प्लेट्यूज वाला एरिया है वहां पर वेदरिंग होती है, और वेदरिंग होकर वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, और वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स किसका पार्ट ले लेते हैं, सैंड का पार्ट ले लेते हैं। जितना भी आपके सैंड है डेजर्ट्स में वो क्या है, वो रॉक के ही तो इरोजन डिनुडेशन हुआ है, जो रॉक है उसका डिनुडेशन हुआ है, तभी तो वो पार्टिकल बने हैं, और उसके बाद वो इरोजन हुए हैं, जिसके कारण आपके बर्चन्स का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके कारण आपका सैंड्यून्स का फॉर्मेशन हुआ है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना डेजर्ट में लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन कैसे होता है, तब आपको और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों की। अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का, मजा आ जाएगा, एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग का मतलब है डिसइंटीग्रेशन होना, रॉक का ब्रेक होना, किसका, रॉक सॉइल एंड मिनरल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
फिजिकल, या तो किसी हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण, या किसी प्रेशर के कारण, या किसी केमिकल एजेंट के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण, या किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन के कारण आपकी चीजें होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखना वेदरिंग हमेशा इन सेतु प्रोसेस है। वेदरिंग इज अ इन सेतु प्रोसेस। इन सेतु का मतलब है जहां पर रॉक है उसी एरिया में वेदरिंग होगी, उससे अलग कहीं नहीं जाएगी। वेदरिंग हमेशा एक रॉक में होगी। मेरे पास यहां पर एक रॉक है, समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। मेरे पास यहां पर एक रॉक है, ये मेरे पास रॉक है, समझना। अब इस रॉक को ब्रेक होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, टूट के गिरना, वो सब कुछ यही होगी। तो रॉक क्या है, इन सेतु, सिर्फ उसी जगह पर फिक्स है, ये कहीं पर भी मूव नहीं होगी जब तक इरोजन नहीं होगा। सो वेदरिंग एंड इरोजन दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है, ये पार्ट है एक्सोजेनिक प्रोसेस के। पहले वेदरिंग होगी और उसके बाद इरोजन होगा, बट अभी जो वेदरिंग है वो एक इनसेतु प्रोसेस है, दैट मींस उसी जगह पर वेदरिंग हो रही है, वो कहीं पर मूव नहीं हो रही है चीजें। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। बायोलॉजिकल मींस जिसमें लाइफ है, प्लांट, बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, जिनके कारण वेदरिंग हो रही है उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। अभी बताऊंगा कैसे होती है, समझ में आ गया। अब मैं आपके सामने बात करता हूं यहां पर। सो वेदरिंग इज अ इन सेतु, दैट मींस एज अ वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मैटीरियल। मैटीरियल जहां पर वेदर हुआ है उसका कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इट इज एन इन सेतु और ऑन साइट प्रोसेस है, उसी जगह पर। और याद रखना जो वेदर्ड मैटीरियल है वो कैरिड कर सकते हैं हम किसी दूर डिस्टेंस तक, किसके थ्रू, बाय इरोजन। और इरोजन हमारे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू हो सकते हैं, उसमें रिवर भी हो सकती है, उसमें हमारा विंड भी हो सकती है, उसमें हमारा ग्लेशियर भी हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन। ओके, सब कुछ समझाऊंगा। सर वेदरिंग लैटिट्यूड के उस पर इंपैक्ट करती है, यस माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल सही बोला आपने। लैटिट्यूड के बेसिस पर वेदरिंग सबसे ज्यादा होती है। याद रखना दुनिया में जो सबसे ज्यादा वेदरिंग होती है वो आपको ट्रॉपिकल रीजंस में देखने को मिलेगी। जितने भी आपकी वेदरिंग के प्रोसेस हैं, चाहे वो डेजर्ट्स हो, चाहे वो मशरूम रॉक्स हो, वो मेनली आपको 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है, सन का टेम्परेचर। बिकॉज वेदरिंग का रोल प्ले करने में सन की हीट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। सन की हीट ही तो है जो अपनी हीट के कारण उस रॉक को ब्रेक करेगी। जब दिन में बहुत हाई टेम्परेचर होगा, रात में ठंडा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड रॉक होगी, वो ब्रेक होगी। तो वेदरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग, उसमें सन की हीट सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी। तो जो नियर द ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर वेदरिंग सबसे ज्यादा एक्टिव होगी। जैसे जैसे मैं हायर लैटिट्यूड पर जाऊंगा वेदरिंग का रेट है वो डिक्लाइन होता चला जाएगा, ये भी याद रख। समझ रहे हो चीजों को, इतना इंटरेस्टिंग है। ओके, अब मैं बात करता हूं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं हर चीजों के बारे में। फिजिकल वेदरिंग को हम मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, याद रखना। अगर आपसे कोई बोले फिजिकल वेदरिंग तो उसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। फिजिकल वेदरिंग अलग अलग कारण से हो सकता है, समझने की कोशिश करना। फिजिकल वेदरिंग अलग अलग कारण से हो सकता है। सबसे पहला कारण है थर्मल, याद रखना मेरे साथ, ये चीजें याद रखोगे तो लाइफ में कभी थर्मल रीजन। फिजिकल वेदरिंग कैसे हो सकती है, फिजिकल वेदरिंग का मतलब है कि मैकेनिकल और फिजिकल, जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, जिसमें किसी भी ह्यूमन बींग का इन्वॉल्व या रोल ना हो। फिजिकल वेदरिंग में जो सबसे पहला तरीका है वेदरिंग का वो है थर्मल वेदरिंग, यानी कि टेम्परेचर के कारण। थर्मल मतलब टेम्परेचर के कारण, याद रखना थर्मल वेदरिंग सबसे ज्यादा एक्टिव होती है ट्रॉपिकल रीजन में। कहां पर होगी, कहीं पर बुक है ना, बुक खोल लेना, पढ़ लेना, तब भी नहीं समझ में आएगा। और इतनी डिटेल में इतनी छोटी छोटी बातें तो कभी नहीं समझ में आएंगी, ठीक है, ये चीजें याद रखना। इसलिए क्लास को समझ के अच्छे से कर लिया करो। टेम्परेचर, थर्मल वेदरिंग, याद रखना ये हमेशा एक्टिव मिलेंगी आपको कहां पर, ट्रॉपिकल रीजन में।
कहां पर मिलेंगी सर? ट्रॉपिकल रीजन में, थर्मल वेदरिंग। इसमें क्या होता है थर्मल वेदरिंग में, वो समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्या हुआ सर हमारा टेम्परेचर, बहुत अच्छे से समझना, हमारा टेम्परेचर, यहां पर हमारे पास एक रॉक है, यहां पर हमारे पास रॉक है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, समझना, यहां पर हमारा इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है। ये रॉक क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। अब क्या हुआ, नाइट टाइम में टेम्परेचर कम हो गया, अब टेम्परेचर कम हो गया तो ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट। अब जब कोई भी रॉक आप उसको एक्सपेंड करोगे टेम्परेचर के कारण, फिर कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उसमें क्रैक आएंगे, क्रैक होने के बाद वो पार्ट अलग ब्रेक होके टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और टूट टूट के वो छोटे छोटे पार्ट एक जगह गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, आपका थर्मल वेदरिंग, यानी कि टेम्परेचर के कारण आपकी वेदरिंग हो रही है। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। याद रखना, जहां पर फिजिकल वेदरिंग होगी वहां पर कंडीशन होनी चाहिए हॉट एंड ड्राई, वहां पर रेनफॉल नहीं होनी चाहिए, वहां पर टेम्परेचर हाई होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, ड्राई कंडीशन होनी चाहिए। केमिकल वेदरिंग जहां पर होगी ना, वहां पर होना चाहिए हॉट एंड वेट, मतलब गर्मी और पानी, यहां पर हॉट और ड्राई कंडीशन। तो हमेशा याद रखना, फिजिकल वेदरिंग जहां पर होगी वहां पर हॉट एंड ड्राई कंडीशन होनी चाहिए। हॉट एंड ड्राई कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द फिजिकल वेदरिंग। समझ में आ गया, फॉर द फिजिकल वेदरिंग, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, जब फिजिकल वेदरिंग होगी टेम्परेचर हाई होगा, तो उसके कारण डे टाइम में टेम्परेचर हाई, रॉक एक्सपेंड किया, रात में क्या हो गया भैया, रॉक दोबारा ठंड सिकुड़ गई क्योंकि टेम्परेचर कम, दिन में दोबारा। तो जब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करती रहेगी, क्रैक्स आएंगे और वो रिपीटेशन होता रहेगा, सालों तक रिपीटेशन होता रहेगा, और उसके बाद वो टूट टूट के गिरना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज याद रखना, समझ में आ गया। तो रॉक का जो ब्रेकडाउन होता है किस में, स्मॉलर स्मॉलर सेगमेंट में, उसी को क्या करते हैं हम, वेदरिंग बोलते हैं, याद रखना। कहां पर होगी, हॉट एंड ड्राई कंडीशन में। और याद रखना, जो हमारा टेम्परेचर है ना, वो डाई यूरेनल टेम्परेचर हाई होना चाहिए, मतलब जो डिफरेंस है दिन और रात के टेम्परेचर में, वो ज्यादा होना चाहिए। जब दिन और रात का डायुरिनल टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, तभी तो पॉसिबल है दिन में एक्सपेंड करेगी, रात में टेम्परेचर कम होने से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो हमेशा याद रखना, हाई रेंज ऑफ डायुरिनल टेम्परेचर, जो डायुरिनल दिन और रात का टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर? पढ़ते टाइम समझ में आता है, फिर एम्प्टी हो जाता है। रिवीजन की करते हो, क्यों नहीं होता? हमेशा याद रखना, 1:2 का सिस्टम पढ़ाया हुआ है मैंने, 1:2। अगर मेरी क्लास 75 मिनट की है, तो इसके बाद आपको 2.5 घंटे जाके पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी चाहिए, करते हो? नहीं करते होंगे, नहीं करोगे तो पछताओगे। 1000 बार बता चुका हूं, मेंटरशिप बहुत अच्छे से, मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरा स्पेशल फोकस रहता है कंटेंट को कवरेज करने का, कैसे पढ़ना है वो कुछ चीजें यहां पर भी बताता हूं। याद रखना कि 2 से ज्यादा सब्जेक्ट एक साथ लेके मत चलना, इस यूट्यूब की यही खत्म हो जाओगे, इसमें घुसते चले जाओगे, दलदल है। अच्छा, आज तो यहां पर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आज थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, आज पॉलिटी भी पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, इन्वायरमेंट, IR सब पढ़ लेते हैं। सब 2 सब्जेक्ट उठाओ, उनको फिनिश करो। जरूरी नहीं है मेरा ज्योग्राफी पढ़ो, कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, पर 2 सब्जेक्ट एक बार पढ़ो। मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, यही फंस के रह जाओगे। याद रखना, यूट्यूब को अच्छे से यूज कर लो, बार बार फोकस होके कहता हूं, सब्सक्रिप्शन के थ्रू चीजें कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर रहने की बात करता हूं, क्योंकि वहां पर 2 सब्जेक्ट एक टाइम पर पढ़ाए जाएंगे, चीजें स्ट्रक्चर्ड होंगी, वेल प्लान्ड होंगी, चीजें बेटर तरीके से समझ में आएंगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज यही खोते रह जाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, 3-4 साल बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या पढ़ना था और क्या छोड़ना था। ठीक है, क्या पढ़ना था और क्या छोड़ना था नहीं समझ में आएगा, इसलिए बोल रहा हूं चीजों को समझो।
आंसर राइटिंग, नोट्स कब बनाए, नोट्स पहली रीडिंग के बाद। कभी भी पहली रीडिंग में नोट्स मेकिंग मत करो, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो ना, मुझे पता नहीं कौन वो बुद्धिजीव हैं जो आप लोगों से बताते हैं कि नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आता है, इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता है नोट्स से, कॉपियां। अब उस बच्चे को यही नहीं पता मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं बता रहा हूं, बुक से आपको क्या पता भाई आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बुक तो इतनी मोटी है, ये बताइए यहां पर ये सविंदर सिंह रखी हुई है, इतनी मोटी बुक है, इसके नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाओगे सविंदर सिंह के इतनी मोटी बुक के? नोट्स तो इतने में होते हैं, बट इस बुक का इतना इंपॉर्टेंट क्या पोर्शन है वो कैसे निकालोगे? वो तभी तो निकालोगे जब आप चीजों को एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे, उसके बाद संकल्प मेंटरशिप के एमसीक्यू क्वेश्चंस करोगे, तब पता लगेगा भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है और इतनी चीज वेस्ट है इस बुक की। अब मुझे सेकेंड टाइम जब मैं पढ़ूंगा तो मैं अपने नोट्स बनाऊंगा कैसे, जब मेरे 100 पेज की बुक है तो उसमें से मुझे 15 या 20 पेजेस में नोट्स कवर करने हैं, ये मेरा एक परफेक्ट तरीका है। समझ रहे हो, चीजों को समझो। आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, लिख दिया बच्चे ने, आंसर लिखे जा रहा है, वो भेज रहा है मेरे पास, आंसर लिख के भेजते हैं जिन्हें प्रिपरेशन करते हो 2 महीने हुए हैं, आंसर लिख के भेज रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा अच्छा 8th क्लास का स्टूडेंट आंसर लिख देगा। रीजन ये नहीं है कि आप बुरे हो, रीजन है कि आपको पता ही नहीं है आंसर में क्या लिखना है। आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें लिखना है, हमें कंटेंट भी तो होना चाहिए क्या लिखना है, या बस लिखते चले जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है लिखना। बताया था किसी टॉपर ने आंसर राइटिंग इज मस्ट, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बताया था आंसर राइटिंग का कोर्स ले लो, बहुत जरूरी है, इसके बिना यूपीएससी नहीं लिख लेगा। समझो चीजों को, इसलिए बोलता हूं मेंटरशिप बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है इस प्रिपरेशन में, किस तरीके से आपको चीजों को अप्रोच करना है, वो अप्रोच बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा कोर्स है, सागर है, उस सागर को हमें आराम से नदी बनाते हुए निकलना है, उसके अंदर फैला हुआ है सर, YouTube पर लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं, उस सागर में से हमें नदी बन के निकलना है और आराम से अपना सिलेक्शन लेके निकलना है। सागर में बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं, सब चीजों को समेटेंगे ना बेकार है, नदी की तरह फ्रेश वाटर लेके निकलना है, साफ साफ चीजों को लेके निकलना है और अपना सिलेक्शन लेके चुप चले जाना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपर ऐसे देखे हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, बट फिर भी प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर कंटेंट पढ़ा, अच्छे से सिलेक्शन लेके चले गए। और बहुत लोग ऐसे थे जो बैठे हैं समुद्र को लिए हुए, इतना पढ़ लिया सोच भी नहीं पाएंगे, हमसे अगर चीजें पूछने तो हमसे भी ज्यादा पढ़ के बैठे हैं पर नहीं निकल रहा है, क्योंकि कंटेंट को अच्छे से मैनेज नहीं किया। चीजें पढ़ ली हैं पर पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आया, डाउट है यार ये 2 हो सकता है बट 3 में श्योर नहीं हूं। क्यों श्योर नहीं है? पढ़ा है बट इतनी बार नहीं पढ़ा कि श्योरिटी और अनश्योर में डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाए। इसलिए बोलता हूं मल्टीपल रिवीजन। यूपीएससी में 50 से 60 क्वेश्चन आपको लगता है आते हैं, बट उसमें से 20-25 क्वेश्चन में श्योर हो अनश्योर हो इसमें रह जाते हो। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिवीजन नहीं किया है, पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ ली है ना सर हमने, वो चीजों को समझो। ठीक है, क्लियर? तो अच्छे से चीजों को समझो, अच्छे से पढ़ो, साथ है मेरा, हमेशा पढ़ाता रहूंगा, बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, फ्री में ही दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, अब मैं आपके सामने बात कर रहा था फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपके सामने कि हमारा जो फिजिकल वेदरिंग है थर्मल मतलब टेम्परेचर के कारण, समझने की कोशिश करना, टेम्परेचर के कारण, कि हमारा जो टेम्परेचर है उसके कारण। सर कैसे होता है टेम्परेचर? सर टेम्परेचर का मतलब है, मान के चलिए थर्मल वेदरिंग हो गई, पहला मैंने आपको बताया थर्मल वेदरिंग ठीक है, थर्मल वेदरिंग मतलब टेम्परेचर के कारण। दूसरी क्या है? दूसरी टाइप की जो वेदरिंग है वो है वाटर वेदरिंग। वाटर वेदरिंग में क्या होगा सर? इसमें क्या होगा सर, हमारा यहां पर एक रॉक है, ठीक है, अब इस रॉक के अंदर ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रेशर क्रैक पड़ चुके हैं इस तरीके से, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रात में टेम्परेचर बहुत कम। तो अब क्या हुआ, जब हमारी रेनफॉल होगी
तो रेनफॉल का जो वाटर है वो इन क्रैक्स में एंटर कर जाएगा, इन क्रैक्स में एंटर कर जाएगा डे टाइम में, और नाइट टाइम में जैसे ही टेम्परेचर कम होगा ये वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। और हमेशा याद रखना जो वाटर होता है ना अगर वो 100% है, तो जब अगर आपसे कोई बोले कि वाटर की जो क्वांटिटी है जब वो जमता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करता है। वाटर जब जमता है ना, ठंडा होता है, फ्रीज होता है, तो एक्सपेंड करता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। यानी कि जितना वाटर यहां पर है जमने के बाद उसकी जो वॉल्यूम है वो 9% इंक्रीज हो जाती है। जितने एरिया में यहां पर वाटर है जमने के बाद वो फैलेगा, एक्सपेंड करेगा। तो जब वाटर इन क्रैक्स में जाएगा तो जमेगा रात में, एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड करेगा तो रॉक क्या होगी, रॉक भी फैलेगी, दिन में दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्या होगा, दिन में दोबारा एक्सपेंड कर जाएगी, फिर रात में दोबारा कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा। ये प्रोसेस क्या होगा, आपका जो वाटर है वो फ्रीज होगा, वो रॉक को और एक्सपेंड करेगा, जिससे रॉक और ब्रेक होगी, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं रॉक के वो ब्रेक होकर नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे, रॉक की वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया कि हमारा थर्मल वेदरिंग होगी, दूसरा वाटर की तरीके से फिजिकल वेदरिंग होगी, और तीसरी होती है विंड वेदरिंग। मतलब वेदरिंग फिजिकल तरीके से हो रही है, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग आर द सेम थिंग। तीसरा है विंड। अब आप बोलोगे सर विंड भी वेदरिंग करती है, विंड का तो इरोजन का काम है। अरे सर विंड भी वेदरिंग करेगी कैसे, यहां पर ये प्लेट्यू है, पहाड़ है, कुछ भी है, यहां से विंड आ रही है बहुत तेज। अब विंड बिचारी हवा है, कहां से ब्रेक करेगी। अब विंड बोलेगी परेशान है, इसे तोड़ने में लगी हुई है, विंड पर नहीं हो रही है ब्रेक, ये ब्रेक नहीं हो पा रही है, क्या चीज, हमारा रॉक, जो हमारी प्लेट्यू है, चट्टान है, कोई भी वो नहीं तोड़ पा रहा है। अब विंड बहुत तेज है, ये क्या बोलेगी कि तुझे तोड़ने के लिए तेरा ही सहारा लूंगी। ये क्या करेगी, जब ये विंड मूव कर रही है ना, तो यहां पर जो रास्ते में छोटे छोटे सेडिमेंट्स के पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल हैं, विंड उनको अपने साथ लेके चलेगी, और वो सैंड ब्लास्टिंग यहां पर होगी। वो सैंड है ना विंड के साथ आके बार बार फोर्स करेंगे रॉक के ऊपर, बार बार फोर्स करेंगे रॉक के ऊपर, और रॉक ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, रॉक की वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो किसके कारण हो रहा है, विंड के कारण हो रहा है। तो विंड खुद नहीं कर रही है, विंड रॉक के ही डिसइंटीग्रेटेड जो पार्ट्स हैं, जो वेदर्ड पार्ट हैं, उन्हीं का सहारा लेके अपने साथ उसको बार बार हिट कर रही है रॉक के ऊपर और वेदरिंग कर रही है। विंड के कारण फिजिकल वेदरिंग हो रही है, वाटर के कारण जब वाटर एक्सपेंड होगा क्रैक्स में जाएगा वेदरिंग हो रही है, और थर्मल यानी कि टेम्परेचर के कारण रॉक एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होगी डे एंड नाइट टाइम में, और वेदरिंग का प्रोसेस होगा। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए वेदरिंग में, जो मैंने अभी तक आपको फिजिकल वेदरिंग बताई। अब फिजिकल वेदरिंग दो जगह पर पड़ते हैं। सर अगर हमारा कोल्ड एरिया है तो वहां पर कैसी फिजिकल वेदरिंग होगी, और अगर हमारा हॉट एरिया है तो वहां पर कैसी फिजिकल वेदरिंग होगी। समझने की कोशिश करना, दोनों जगह बताएंगे ना फिजिकल वेदरिंग कैसी होगी। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है उमाशंकर, अभी जब आगे चलेंगे तो ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन भी पढ़ाएंगे। समझने की कोशिश करना, क्लियर है? ओके भाई, थोड़ा बहुत तो वाटर आएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, इतना नहीं कि वहां पर बारिश हो रही है, हमारे वाटर वेपर थोड़ी बहुत रेन की ड्रॉप्स होंगी, वहां पर वाटर तो प्रेजेंट होगा ना। समझ में आया? क्लियर है? एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट, एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्या होगा। अब हॉट एरिया है और कोल्ड एरिया है, यहां पर क्या होगा। सर हॉट एरिया में क्या है, जो हमारी रॉक है यहां पर, दिन में टेम्परेचर ज्यादा होगा, रॉक क्या करेगी एक्सपेंड करेगी, रात में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करते करते क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये रॉक ब्रेक होके टूटने लगेगी। अब कोल्ड कंडीशन मतलब पोलर वाला जो एरिया है वहां पर क्या होगा। सर पोलर वाले एरिया में यहां पर क्या होगा, यहां पर रॉक में क्रैक्स आएंगे, रॉक ब्रेक होगी, और जब रॉक में क्रैक्स आएंगे तो इन क्रैक्स के अंदर वाटर फिलअप हो जाएगा। अब वो वाटर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जम जाएगा तो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, दिन में दोबारा वाटर की फॉर्म में फिर दोबारा एक्सपेंड होगा,
तो क्या करेगा, रॉक को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी फिजिकल वेदरिंग के अंदर। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर। सो फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। फिजिकल वेदरिंग का मतलब है डिसइंटीग्रेशन होना, रॉक का ब्रेक होना ड्यू टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बदलने के कारण जो मैंने आपको बताया थर्मल फैक्टर। दूसरा फ्रीज एंड थॉ साइकिल। फ्रीज एंड थॉ का मतलब है जब हमारी रॉक के जो क्रैक्स है उनमें जब वाटर जाएगा तो रात में जम जाएगा, जिसके कारण वो फ्रीज होने के कारण वो रॉक डिसइंटीग्रेट होगी। वेट एंड ड्राई साइकिल, दिन में और रात में जब वेट और ड्राई साइकिल होगी, रिपीटेशन होगा, वाटर एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके कारण, और आपके जो एनिमल और प्लांट की एक्टिविटीज है उसके कारण भी हमारी वेदरिंग होगी। अब हम आपसे पूछेंगे कि किस किस तरीके से आपकी वेदरिंग होती है, व्हाट इज एक्सफोलिएशन। उसके बाद मैं आपके सामने बात करूंगा ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन के बारे में। उसके बाद मैं बात करूंगा फ्रॉस्ट वेदरिंग के बारे में। उसके बाद मैं आपके बाद बात करूंगा शैटरिंग के बारे में। उसके बाद आपकी बात करेंगे ब्लॉक सेपरेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्ट वेदरिंग के बारे में। और ये सारी फिजिकल वेदरिंग है जो यूपीएससी पूछ सकता है। और फिर हम बात करेंगे मास वास्टिंग क्या होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम केमिकल वेदरिंग, फिर हम बायोलॉजिकल, ये सारी चीजें अभी खत्म करके देते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं, आइए चीजों को समझते हैं। एक्सफोलिएशन क्या होता है, यहां तक कितने स्टूडेंट हैं जिनको चीजें समझ में आ गई, जिनको नहीं आई वो मुझे बता सकता है, फिर मैं आगे चल के चीजों को कवर कर सकता हूं। समझ में आ गया ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, उसको भी पढ़ाऊंगा, हर चीजों को एक एक करके अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि वेदरिंग कहां पर कितनी होगी, याद रखना अगर आपसे पूछे भाई फैक्टर कौन कौन से हैं कहां पर वेदरिंग ज्यादा होगी, तो आपको बताना है सर सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए हमारी रॉक कैसी है, रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो सॉफ्ट रॉक है वो हार्ड रॉक है। याद रखना जो वेदरिंग होती है वो सबसे आसान होती है सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक में जो सेडिमेंटेशन का अरेंजमेंट होता है वो इजिली वेदर्ड हो जाता है, याद रखना। दूसरा किसका रोल है, दूसरा है स्लोप का, कि आपका स्लोप कैसा है, मतलब आपका जो रॉक है उसमें स्लोप कैसा है। अगर आपका स्लोप जेंटल है, अगर आपका स्लोप जेंटल है तो वहां पर वेदरिंग ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कम होगी, और अगर आपका स्लोप इंक्लाइंड ज्यादा है इस तरीके से हाई एंगल पे है तो वहां पर वेदरिंग और आसानी से हो जाएगी, जो रॉक है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी वो नीचे आ जाएगी। और तीसरा रोल प्ले करता है क्लाइमेट का, वहां पर टेम्परेचर कैसा है, याद रखना क्लाइमेट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेदरिंग। इसी वजह से मैंने बताया ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा होती है। भाई आपने कभी देखा होगा जब गर्मी लगती है, आप अपना एग्जांपल देखिए, यही चीज रॉक के साथ होती है। जब गर्मी लगती है आप सब चीज उतार के खुल के आराम से सोने की कोशिश करते हो, और जब सर्दी लगती है आप इस तरीके से अपने आप को समेटने की कोशिश, सिकुड़ के सोने की कोशिश करते हो। वही चीज है रॉक के साथ, जब रॉक का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड हो जाती है, फैलती है, उसके अंदर जो अरेंजमेंट्स होता है सेडिमेंट्स का, ग्रेनुलर अरेंजमेंट होता है वो एक्सपेंड करता है, रॉक भी एक्सपेंड करती है। जब टेम्परेचर कम होता है तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण बार बार एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्रैक्स आते हैं और उसी के कारण वेदरिंग होती है। चलो अब बहुत ज्यादा चीजें हो गई, अब हम बात करते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है, सर आपने ओनियन पिलिंग देखी है कभी, आपने ओनियन पिलिंग, अगर मैं बहुत ही शुद्ध भाषा में समझाऊं, आपके घर पर प्याज होती होगी, आपने कभी प्याज के ऊपर से उसका छिलक उतारा है, इस तरीके से, इस तरीके से अगर आप उसका छिलका उतारेंगे तो उसको बोलते हैं ओनियन पिलिंग। और इसी तरीके से जब रॉक है उसके ऊपर का जो टॉप लेयर है वो इस तरीके से हटती है, जैसे ओनियन के ऊपर का एक पार्ट को हम पील ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन कैसे होती है, सर जो हमारी एक सर्कुलर रॉक है, हमारी एक राउंडेड रॉक है, इस राउंडेड रॉक के ऊपर जब आपका हाई टेम्परेचर दिन में और रात में, टेम्परेचर लो,
ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, दिन और रात में कभी सर्दी, रात में रॉक दिन में क्या करेगी, रॉक एक्सपेंड करेगी, रात में क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसमें क्या होगा, जैसे प्याज के ऊपर का छिलका है ना वो उतरता है, इसी तरीके से जो हमारी रॉक है उसके ऊपर का भी डिसइंटीग्रेशन होता है इस तरीके से। इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन। याद रखना व्हाट इज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में जो हमारी रॉक है इसके ऊपर का पोर्शन इरोड होता है, शीट की फॉर्म में, ओनियन पिलिंग की फॉर्म में। सो याद रखना, वेदरिंग रिजल्ट टू द सबसीक्वेंट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बार बार एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है हमारी रॉक, और उसके का किसके कारण, डायुरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिन और रात का हाई डायुरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण और सीजनल वेरिएशन टेम्परेचर के कारण हमारा जो रॉक है उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण जो सरफेस लेयर है, जो बाहर की लेयर है, अंदर की तरफ तो नहीं हो रहा है ना। आप मेरे से कुछ चीजें बताइए, मेरे पास एक राउंडेड रॉक है, मेरे पास एक राउंडेड रॉक है, इस राउंडेड रॉक में ऊपर की तरफ ही तो टेम्परेचर का इंपैक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ तो हो नहीं रहा है। तो जो ऊपर का पोर्शन है यही तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होगा, टॉप सरफेस, और जो पोर्शन ऊपर का टॉप सरफेस एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा यही क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, यही इरोड होगा, यही वेदरिंग होगी, और ये टूट के गिर जाएगा। तो याद रखना, द सरफेस लेयर ऑफ द रॉक टेंड्स टू एक्सपेंड मोर देन द रॉक एट द डेप्थ। जो अंदर की रॉक है इसके कंपेयर में बाहर की रॉक ज्यादा एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होगी ड्यू टू द हाई डायुरिनल टेम्परेचर, एंड दिस लीड टू पीलिंग ऑफ द सरफेस लेयर। उसका जो ऊपर की रॉक है वो आपकी पील ऑफ होगी, वो हटना स्टार्ट हो जाएगी, और उसी को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं गाइस, एक्सफोलिएशन। और याद रखना एक्सफोलिएशन कहां पर है, सर एक्सफोलिएशन का जो प्रोसेस है वो मोस्ट इफेक्टिव कहां पर होता है, ड्राई क्लाइमेट में होता है और हाई एलिवेशन में होता है, जहां पर डायुरिनल टेम्परेचर ज्यादा होता है उस वाले एरिया में एक्सफोलिएशन होता है, और ये एक फिजिकल वेदरिंग है, याद रखना एक्सफोलिएशन। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। आप बोलोगे सर ये ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या है, इसमें क्या होता है? सर इसमें क्या होगा, जो हमारी इग्नीशियस रॉक है, ठीक है, हमारी जो इग्नीशियस रॉक है, याद रखना ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन सबसे ज्यादा इग्नीशियस रॉक में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें जब इग्नीशियस रॉक अंदर से आएगी तो वहां पर क्या होगा, बाहर आकर ठंडी हो जाएगी। तो यहां पर जो ग्रेन्स का अरेंजमेंट है, इसमें अलग अलग ग्रेन्स का अरेंजमेंट होगा। आपने देखा है रॉक्स में कुछ डार्क कलर के अरेंज क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ लाइट कलर के। जैसे मान के चलिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अंदर से इग्नीशियस रॉक निकली, समझने की कोशिश करना, अंदर से इग्नीशियस रॉक निकली, ठीक है। यहां पर ये इग्नीशियस रॉक के लाइट क्रिस्टल्स है, लाइट ग्रेन्स है यहां पर ये, ठीक है। उसी के साथ साथ यहां पर ये डार्क क्रिस्टल्स भी है, इनका अरेंजमेंट भी है, डार्क क्रिस्टल का अरेंजमेंट भी है। अब क्या होगा गाइस, जब इसके ऊपर हीट पड़ेगी, इस इग्नीशियस रॉक जो अंदर से जब बाहर आके ठंडी होगी, इसमें जो क्रिस्टल का अरेंजमेंट है वो लाइट और डार्क क्रिस्टल होंगे अलग अलग, अलग अलग अंदर से जो रॉक है उसमें जो मिनरल्स होंगे वो अलग अलग होंगे, तो उसके अंदर अरेंजमेंट भी अलग अलग होगा, लाइट कलर के क्रिस्टल्स होंगे, डार्क कलर के। अब जब यहां पर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, जो डार्क क्रिस्टल है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्व करता है। अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और यहीं पर मेरे साइड में व्हाइट कलर की, तो हीट कौन ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, मैं, मेरी डार्क कलर, क्योंकि डार्क कलर की टेंडेंसी होती है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। सेम विद दैट, यहां पर जो डार्क कलर के क्रिस्टल है ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्व कर लेंगे, समझ में आ गया। तो क्या होगा, यहां पर ये कम हीट को एब्जॉर्व करेंगे, तो यहां पर ये वाले जो हीट को ज्यादा एब्जॉर्व कर लेंगे वो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, किसके कंपेयर में, इन लाइट के कंपेयर में। तो यहां पर भी क्या होगा, ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट किसका होगा, ग्रेन्स का होगा, अलग अलग ग्रेन्स अलग अलग रेट पर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, और उसी के कारण वहां पर डिसइंटीग्रेशन होगा, उसी को बोलते हैं ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। आइए पढ़ते हैं, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन हैपेंस इन अ रॉक कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स ग्रेन मिनरल्स। जब अलग अलग कोर्स ग्रेन मिनरल्स होंगे तो मिनरल्स अलग अलग कलर के होंगे, अलग अलग रेट से वो हीट को एब्जॉर्व कर रहे होंगे, अलग अलग कलर है, क्योंकि आपको पता है जितने डार्क होंगे वो अलग रेट से। तो यही रीजन है, डार्क कलर का जो मिनरल्स होगा वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा, किसके कंपेयर में, लाइट कलर को, जिसके कारण डिफरेंशियल
अलग अलग रेट से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन होगा, और जिसके कारण जो मिनरल ग्रेन्स हैं वो ग्रेन और ग्रेन का सेपरेशन होगा रॉक से, और इसी को बोलते हैं ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। जो ग्रेन्स है उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, किसमें होगा, उन रॉक में होगा जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स ग्रेन मिनरल्स कंटेन कर रही होंगी, ये चीज याद रखना। क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, समझ में आ गया? सर हाउ हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम के साथ सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म्ड होती हैं? अरे भाई एक चीज बताओ, वाटर है, वाटर पहले सेडिमेंट्स लेके गया, यहां पर डिपॉजिट कर दी एक लेयर की, उसके बाद दूसरी लेयर लाके डिपॉजिट कर दी, तीसरी लेयर जाके डिपॉजिट कर दी, चौथी लेयर जाके डिपॉजिट कर दी, पांचवी लेयर। तो ये जब लेयर आपका ये डिपॉजिट होके इनके ऊपर प्रेशर टेम्परेचर पड़ेगा तो ये एकदम कॉम्पैक्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सेडिमेंट्री स्ट्रेटा की फॉर्म में, लेयर की फॉर्म में, इन्हीं को तो सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग। व्हाट इज फ्रॉस्ट वेदरिंग? फ्रॉस्ट वेदरिंग होती है इस टाइप से। इसमें क्या होता है, हमारा जब वार्म सीजन आता है तो रॉक क्या करती है, एक्सपेंड करती है, ठंडे सीजन में कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या होता है, जो क्रैक्स है इन क्रैक्स में वाटर फिलअप हो जाता है, वाटर इन क्रैक्स में वाटर फिलअप हो जाता है, और जब वाटर फिलअप होगा दोबारा ठंडा होगा तो वाटर फ्रीज हो जाएगा, वाटर फ्रीज होती है उसकी वॉल्यूम 9% इंक्रीज हो जाएगी, और जब इंक्रीज हो जाएगी तो ब्रेक हो जाएंगी, इस तरीके से क्रैक्स आ जाएंगे। इस वेदरिंग को बोलते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग। ड्यूरिंग द वार्म सीजन द वाटर पेनिट्रेट द पोर स्पेस ऑफ द फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर्स है ये आपके जो रॉक में गैप्स हैं, इसमें वार्म सीजन में वाटर फिलअप हो जाएगा, और जैसे ही कोल्ड सीजन आएगा ये वाटर इनके साथ फ्रीज हो जाएगा, और जैसे ही वाटर फ्रीज होगा 9% उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम एक्सपेंड होगी जिसके कारण फोर्स लगाएगा रॉक के ऊपर और रॉक में क्रैक्स आ जाएगा, एंड दिस एक्सर्ट ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द रॉक वॉल एंड टीयर अपार्ट इवन व्हेन द रॉक आर मैसिव। जब रॉक बड़ी होगी तब भी उसको ब्रेक कर देगा, और इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग। इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट वेदरिंग। डायुरेनल मतलब दिन और रात का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं शैटरिंग क्या होता है। शैटरिंग मतलब रॉक का टूट के बिखर जाना, शैटरिंग का मतलब होता है रॉक का टूट के बिखर जाना। सो सीवियर फ्रॉस्ट कैन डिसइंटीग्रेट अलोंग वीक जोन प्रोड्यूस्ड हाई एंगुलर पीसेस। मतलब क्या होता है, जब यहां पर हमारी रॉक है उसमें क्रैक्स आ चुके हैं, क्रैक्स आने के बाद बार बार फ्रॉस्ट एक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, और बार बार उसके अंदर पानी भर रहा है तो वो क्या हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है, और ये फ्रॉस्ट एक्शन रिपीटेड टाइम्स हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हाईली एंगुलर पीसेस विद शार्प कॉर्नर्स, ऐसे पीसेस जिनके शार्प कॉर्नर और एजेस बन जाते हैं, और जिसके कारण वो आपके उसके बाद बिखर के गिर जाती है, उसको बोलते हैं शैटरिंग। तो याद रखना, शैटरिंग पाइल्स ऑफ रॉक फ्रेगमेंट कॉल्ड स्कीयर एट द फुट ऑफ द माउंटेन एरियाज और अलोंग द स्लोप। ये ऐसे जो आपके नोकीले जो पीसीज हैं जो ब्रेक होके शैटरिंग होके गिरते हैं वो जनरली आपको माउंटेन के स्लोप्स में देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से नोकीले पत्थर टूटे हुए आपको स्लोप्स पर देखने को मिलेंगे, इसी को बोलते हैं शैटरिंग। ओके, आगे बात करते हैं। शैटरिंग हो गई, ब्लॉक सेपरेशन। ब्लॉक सेपरेशन मतलब जब रिपीटेड फ्रीज और थॉ, मतलब बार बार बर्फ जमने के कारण एक्सपेंड होती हैं, तो जो रॉक है वो वीकन होता स्टार्ट हो जाती हैं, और जब वीक होती हैं तो इस तरीके से पूरा ब्लॉक है यहां पर, तो ये पूरा ब्लॉक है, क्या होगा, क्या होगा, यहां पर ये रॉक है, इस रॉक में क्या होगा, यहां पर क्रैक्स आएगा, यहां पर जमेगा, यहां के बाद क्रैक होगा, फिर वाटर इधर की तरफ चला जाएगा, वाटर जब इधर की तरफ जाएगा तो इस हिस्से को भी फैलाना स्टार्ट करेगा, इसमें भी एक्सपेंशन होगा, तो ये वाला हिस्सा ब्लॉक इधर टूट के गिर जाएगा, तो ये क्या है, पूरा ब्लॉक गिर जाएगा। तो यही चीज है, जब बार बार बर्फ जम, वाटर का जमना हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, जिसके कारण रॉक वीकन होगा और वो ब्रेकअप हो जाएगा एंगुलर पीसीज में इस तरीके से, और उसी को बोलते हैं जॉइंट्स में, ब्लॉक्स की फॉर्म में, कि आपका जो रॉक है उसका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, ये चीज याद रखना। ओके, यहां पर सॉल्ट वेदरिंग होती है। सॉल्ट वेदरिंग मतलब वो रॉक जिनके अंदर सॉल्ट कंटेन होता है। ठीक है, सॉल्ट वेदरिंग का मतलब है जब हमारी जो सेलीन सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा वाटर जो सॉल्टी है, जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, वो क्रैक्स के अंदर जाएगा। तो जब क्रैक्स और जॉइंट्स के अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो वाटर है वो तो एवोपरेट हो जाएगा,
मान के चलिए हमारे जॉइंट्स हैं रॉक के, तो उसमें सॉल्टी वाटर, जिसमें ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, वाटर तो एवोपरेट हो गया बट जॉइंट के अंदर क्या रह गया, सॉल्ट प्रेजेंट रह गया। और जब सॉल्ट के क्रिस्टल पीछे रह जाएंगे तो जो हमारी रॉक है वो सॉल्ट को क्या, सॉल्ट क्या करेगा, रॉक को एक्सपेंड करेगा। और एक्सपेंड करेगा किस टाइम पर, जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जिसके कारण क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर इस तरीके से आपका जो है वो सॉल्ट वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। और जो एक्सपेंशन है नियर द सर्फेस, जिसके कारण स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा ग्रेन्स का, जो ग्रेन्स है ना, जब वो सॉल्ट है, वाटर एवोपरेट हो गया, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट के क्रिस्टल है उनका एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंड होंगे। और कब, जब उनका क्रिस्टलाइजेशन होगा उस टाइम पर एक्सपेंशन होगा, और व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो एक्सपेंड होने के बाद क्रिस्टलाइजेशन होगा। और जब उनका एक्सपेंशन होगा और जो उनके पोर्स है वो स्प्लिटिंग होना स्टार्ट होंगे इंडिविजुअल ग्रेन्स में, रॉक्स में, जिसके कारण जो आपका ग्रेनुलर, एक तरीके से बोल सकते हो अलग अलग ग्रेन है ना, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सॉल्ट वेदरिंग जो है वो नॉर्मली एसोसिएटेड होती है एरिड क्लाइमेट में, जहां पर सूखा क्लाइमेट होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, जहां पर स्ट्रांग हीट होती है, जिसके कारण एवोपरेशन ज्यादा होता है और सॉल्ट कंटेंट वहीं पर रह जाता है, जिसके कारण क्रिस्टलाइजेशन होती है, एक्सपेंड होता है, जिसके कारण जो हमारे ग्रेन्स है उनका स्प्लिटिंग होता है और वहां पर सॉल्ट वेदरिंग देखने को मिलती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। जहां पर आपका ड्राई एरिया है, एरिड एरिया है, सूखा एरिया है, वहां पर देखने को मिलेगी सॉल्ट वेदरिंग, क्योंकि वहां पर एरिड एरिया है। एरिड एरिया होने के साथ साथ आपको मैंने चीजें बता दी है क्या क्या होने वाला, समझ में आ गया। यहां तक बताइए कितने स्टूडेंट को चीजें समझ में आ गई, यहां तक बताइए कितने स्टूडेंट को। और गाइज याद रखना, हमारा जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है उसके ऑफर का लास्ट चल रहा है, कल लास्ट डे है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। किसी भी तरीके से सब्सक्रिप्शन में कोई डाउट है तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, unacademy_anirudhpalik, वहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं मास फास्टिंग के बारे में। मास फास्टिंग क्या होता है सर? मास फास्टिंग मतलब, अगर मान के चलिए आपकी ये रॉक है, इसकी वेदरिंग हुई है, अब ये वेदरिंग यहां से, इधर से एक जगह से दूसरी जगह, ये जितने भी इरोडेड पार्ट है ये मूव होके इस वाले एरिया में जाके डिपॉजिट होंगे, तो इसको कौन डिपॉजिट करेगा? इरोजन के कारण, इरोजनल कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे? इरोजन बोलेंगे। और वो इरोजन किसके कारण होगा? या तो विंड के कारण हो सकता है, या किसके कारण हो सकता है? वाटर के कारण हो सकता है, या कोई ग्लेशियर है वो उसको इरोड कर सकता है। बट याद रखना, जब हमारा जो इरोजन है वो मास लेवल पर हो, जैसे लैंडस्लाइड आपने देखा है, लैंडस्लाइड एकदम सडनली बहुत सारे ऊपर की चट्टाने नीचे गिर के आना स्टार्ट हो जाती है, तो मास मूवमेंट का मतलब होता है जो हमारा मूवमेंट हो रहा है रॉक का, या जो हमारे सेडिमेंट्स का, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। मतलब ग्रेविटी कैसे, जब आपका स्लोप इस तरीके से होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ लेके आएगी, तो यहां पर जितनी भी चट्टाने हैं वो क्या करेंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ जाएंगी, और इसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड, ठीक है। तो याद रखना, मास मूवमेंट का मतलब क्या है? मास मूवमेंट का मतलब है कि जो हमारा अनकॉन्सिलेटेड सॉलिड है, जो सेडिमेंट है, जब वो आपके मास लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर, एक साथ किसी स्लोप से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो एक साथ नीचे आएंगे, उसको मास मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। जिसका एग्जांपल है आपका लैंडस्लाइड, एवलांचेज होगा, ये उसी का एग्जांपल है। सो मास वास्टिंग अकर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लोप, मतलब ये स्लोप है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग करेंगी। याद रखना, स्लोप जितना जेंटल होगा उतना मास वेस्टिंग कम होगी, और जितना स्लोप इंक्लाइंड होगा इस तरीके से, यहां पर मास वेस्टिंग ज्यादा होगी क्योंकि इस वाले एरिया पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वाला एरिया। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? ओके, क्लियर है। तो मास वास्टिंग के बारे में याद रखना, मास वास्टिंग का जो प्रोसेस है वो बेसिकली फ्यू सेकंड के अंदर भी हो सकता है, या हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के अंदर भी हो सकता है। कभी कभी आप देखना जो सॉइल है वो धीरे 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 करके इरोड हो रही है, बड़े लेवल पर, मास लेवल पर नीचे आ रही है, बट इट टेक्स थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स।
वहीं पर आपने देखा ऊपर से चट्टाने गिरती हुई सेकंड में नीचे आ गई, लैंडस्लाइड देखी होगी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, वो क्या है मास वेस्टिंग। मास वास्टिंग मतलब मास मूवमेंट, बड़े लेवल पर रॉक का मूवमेंट आना, अनकॉन्सुलेटेड सेडिमेंट्स का मूवमेंट होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, उसको बोलते हैं मास मूवमेंट, मास वास्टिंग। ठीक, ये चीज याद रखना। आप देखिए इस तरीके से सारी चट्टाने डर डर डर, यहाँ पर देखिए ऊपर से जितना भी ये लैंडस्लाइड हो गई सारी चीजें ऊपर से, ये देखिए एल्यूवियल सॉइल, पेनी प्लेन एल्यूवियल, यहाँ पर सेडिमेंटेशन, इट टेक्स मिलियंस ऑफ वो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, इट टेक टाइम, तो उसको भी आपको देखना है। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल वेदरिंग, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है, ताकि आपको चीजों को समझ में आ जाए। फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि सर क्या हुआ कैसे हुआ, ताकि आपको चीजें बेटर समझ में आए। केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि जो हमारी रॉक है, याद रखना जो हमारी रॉक है ना उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। जब हमारी फिजिकल वेदरिंग है ना तो जो उसकी अंदर के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बट केमिकल वेदरिंग के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं रॉक की, वो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। समझने की कोशिश करना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं रॉक की वो चेंज हो जाती है केमिकल वेदरिंग में। इको हो रहा है, इको किस किस को लग रहा है, अब भी इको हो रहा है गाइस। हेलो, इको किसको लग रहा है, नो सर, क्लियर है, फाइन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग का मतलब जो हमारी रॉक है उसका डीकंपोजिशन होना, उसका ब्रेक होना केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, उसको बोलते हैं आपका केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग अलग अलग तरीके से होता है, जिसको सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें हमारी रॉक जो है वो ब्रेक होती है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है केमिकल वेदरिंग में, क्या होता है केमिकल वेदरिंग में, क्या होता है कि जैसे हमने बताया था कि जो फिजिकल वेदरिंग है वो मेनली हॉट एंड ड्राई कंडीशन में होती है, वहीं पर जो केमिकल वेदरिंग है वो हॉट एंड वेट कंडीशन में होती है, जहां पर वाटर प्रेजेंट है, जहां पर टेम्परेचर हाई है, वहां पर आपकी केमिकल वेदरिंग होगी, याद रखना। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। अब मैं आपके सामने बात करता हूं सबसे पहले सॉल्यूशन वेदरिंग क्या होती है, व्हाट इज सॉल्यूशन वेदरिंग। आपकी जो केमिकल वेदरिंग है उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन क्या होता है, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बोनेशन क्या होता है, उसके अंदर मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सब केमिकल वेदरिंग के पार्ट है। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा रिडक्शन क्या होता है, और उसके अंदर मैं बताऊंगा हाइड्रेशन क्या होता है। ये सब क्या है, ये आपके केमिकल वेदरिंग के पार्ट हैं, याद रखना, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब केमिकल वेदरिंग के पार्ट हैं जिनको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, आ जाइए फटाफट। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग के अंदर सॉल्यूशन वेदरिंग के बारे में। सॉल्यूशन वेदरिंग कब होती है, व्हेन द सॉल्वेंट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन रेदर देन सिंपल वॉटर। जब हमारा रॉक के साथ एसिडिक वाटर या एसिडिक सॉल्यूशन रिएक्ट करता है, दैट मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच लेस देन 7 है, ऐसा सॉल्यूशन रॉक के साथ रिएक्ट करता है, समझने की कोशिश करना, तो हमारी जो रॉक है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन वेदरिंग। अ सॉल्यूशन वेदरिंग इज अ लिक्विड मिक्सचर इन विच द माइनर कंपोनेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूएंट। मतलब जो रॉक के हमारे कंपोनेंट है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं किसके अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, और हमारी रॉक का सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा आता है कार्बोनेशन। दूसरा क्या आता है, कार्बोनेशन। अब आपके माइंड में आएगा सर ये कार्बोनेशन क्या होता है, कोई किसी को भी कभी माइंड में आया कि सर ये कार्बोनेशन क्या होता है, किसी के माइंड में आया हो फटाफट जल्दी से बताइए, एनी वन ऑफ यू, कि सर ये कार्बोनेशन क्या होता है, किसी को भी चीजें कभी समझी हूं,
कभी भी की सर कार्बोनेशन क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है आइए मैं आपको समझाता हूं। इसमें जब वाटर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है, ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। याद रखना, जब वाटर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो एक कार्बनिक एसिड फॉर्म करता है, और ये कार्बनिक एसिड क्या करती है, ये हमारी रॉक को डिसॉल्व करती है, ये रॉक को क्या करती है हमारी एक तरीके से डिसॉल्व कर देती है। याद रखना, समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताता हूं। यहां पर ये वाटर है H2O, ये H2O जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेशन में क्या होता है, कार्बन के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो कार्बनिक एसिड फॉर्म करता है। यहां पर क्या हुआ, जब वाटर ने कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, H2O CO3, ये क्या है कार्बनिक एसिड। अब क्या होगा, यहां पर है लाइमस्टोन CaCO3, अब लाइमस्टोन के साथ ये कार्बनिक एसिड रिएक्ट करेगा, अब ये क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाएगा, और बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन हो गया तो रॉक की क्या हो गई, वेदरिंग हो गई। तो कार्बोनेशन में क्या होता है, कार्बन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, जो कार्बन है ना वो डिसॉल्व, वो रॉक की वेदरिंग करने में रोल प्ले करता है। कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, जो हमारा एसिड रेन है, एसिड रेन में जब रेनफॉल होगी उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स हो गई तो कार्बोनिक एसिड बना लिया, और जब वो कार्बोनिक एसिड किसके साथ, लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करेगा, वेदरिंग होगी तो वो क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा हमारी रॉक की वेदरिंग होगी, जिसके कारण क्या होगा रॉक की वेदरिंग होगी। सो कार्बोनेशन रेफर्स टू द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कार्बोनेट, क्या कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनेशन वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू द सॉल्यूशन वेदरिंग, दैट मीन जो एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट होगी वो कार्बनिक एसिड बनाएगी, और वही कार्बनिक एसिड जब रॉक के साथ लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, जिसके कारण क्या बनेगा आपकी वेदरिंग होगी, और इसी को बोलते हैं कार्बोनेशन। तो याद रखना, जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल किस चीज में, वेदरिंग होने में, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेदरिंग। वेदरिंग में जो रोल प्ले कर रहा है वो अलग अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड रोल प्ले कर रही है कार्बोनेशन में, फॉर्म द कार्बोनिक एसिड जो कि बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है, और उसमें वाटर है वो एज अ सॉल्युबल रोल प्ले कर रहा है सॉल्यूशन में। उसके बाद आता है आपका, ये चीज हो गई हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, इसको और पढ़ लेते हैं एक बार बहुत अच्छे से। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमारी रॉक है उस रॉक में जो आयरन है उसका रिएक्शन होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। समझने की कोशिश करना, जो हमारी रॉक है उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन में जो हमारा वाटर है, ऑक्सीजन है, उसकी रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी। जब हमारा जो रॉक है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है और वो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जिसके कारण रस्टिंग होगी, और जब रस्टिंग होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन क्या है, एक वेदरिंग है। दैट मीन जो ऑक्सीडेशन है उसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी रॉक के साथ केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होने के कारण वेदरिंग हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इन वेदरिंग ऑक्सीडेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन। मिनरल कौन सा, आयरन का जो मिनरल है या कोई भी मिनरल है, जब वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो उसकी रस्टिंग हुई, क्यों, क्योंकि उन्होंने आयरन ऑक्साइड बनाया ना। जब आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इट फॉर्म द आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड बनाने के बाद ही तो रस्टिंग हुई। या कोई भी रॉक के अंदर जो मिनरल है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इट फॉर्म द ऑक्साइड, और ऑक्साइड होने के बाद जो रॉक है रस्टिंग होगी जिसके कारण आपका क्या होगा, वेदरिंग होगी। यही रीजन है जो रेड सॉइल है वो रेड क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ऑक्सीडेशन अकर व्हेन देयर इज अ रेडी एक्सेस टू द एटमॉस्फेयर एंड वाटर, दैट मीन जब हमारे पास ऑक्सीजन है ये प्रेजेंट है तभी ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है, ये चीजें आपको समझनी होगी कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है। हाँ बिल्कुल सही बात बोली, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आपने जो बताया बिल्कुल सही बात है, यहां पर भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। आपने बताया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर भी, ठीक है। जैसे हमारी बसाल्टिक रॉक है तो उसमें जब आयरन और वाटर का रिएक्शन होगा या ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, तो क्यों, ऑक्सीजन क्या है, O2 है, जिसके कारण, अब आप यहां पर देखिए ना, सिंपल सा Fe है, Fe के साथ O2 ने रिएक्ट किया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, H2O, वाटर की प्रेजेंस में, ये क्या बना, Fe2O3, दैट मींस यहां पर फेरिक ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या हुआ, रस्टिंग हो गई, जिसके कारण ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारा ऑक्सीडेशन होगा वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिडक्शन होगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। जब हमारा यही रिएक्शन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी उसको रिडक्शन बोलेंगे, ये चीज भी याद रखना, समझ में आ गया, रिडक्शन में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का यहां पर रिमूवल होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है, क्लियर है। जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसको रिडक्शन बोलेंगे, क्लियर है। व्हेन द ऑक्सीडाइज्ड मिनरल्स, ये आपको मैंने पढ़ाई दिया है, तो ये बेसिकली आपकी ऑक्सीडेशन हो गई, रिडक्शन हो गई, यहां पर चीजें मैंने आपको बता दी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये केमिकल रिएक्शन है, जिसका मतलब है कि रॉक के साथ कोई भी मिनरल या किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसके बाद रॉक का वेदरिंग हो रहा है। ऑक्सीडेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो कार्बोनेशन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वीक एसिड या आप कार्बनिक एसिड का फॉर्म करता है जो ऑक्सीडेशन करती है, सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होता है, उसके बाद आता है आपका एक हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या आता है, हाइड्रेशन इज द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर दैट इन्वॉल्व द रिजिड अटैचमेंट ऑफ H+ एंड OH आयन टू द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिनरल्स। जो रॉक के मिनरल्स हैं, जब वो वाटर टेक अप वाटर, जब वो वाटर ले लेते हैं, उससे क्या होता है, इंक्रीज वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण एक फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है विद इन द रॉक। जब आपके रॉक है उसके अंदर मिनरल्स है, उसमें वाटर जाएगा तो एक्सपेंड करेंगे, एक तरीके से इंक्रीज होगा उसका वॉल्यूम, जिसके कारण एक फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड आर कन्वर्टेड टू द आयरन हाइड्रोक्साइड विच आर लार्जर इन वॉल्यूम, और जिसके कारण आपकी वेदरिंग होगी, और इसी को हाइड्रेशन बोलते हैं। सो हाइड्रेशन क्या है, एक रिवर्सिबल है, दैट मींस दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर है। एंड कंटिन्यूड रिपीटेशन ऑफ द प्रोसेस कॉजेस फटीक रॉक एंड मिल लेड टू डिसइंटीग्रेशन। मतलब क्या होगा, पहले आपका आयरन ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होगा, आयरन हाइड्रोक्साइड में, फिर दोबारा इसमें कन्वर्ट होगा, फिर दोबारा इसमें कन्वर्ट होगा, फिर दोबारा इसका, तो क्या होगा, जैसे ही आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि वाटर जाएगा, फिजिकल स्ट्रेस जनरेट होगा, एक्सपेंड हो रहा है, फिर दोबारा उसी फॉर्म में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड वाटर के कारण, तो उसमें क्या होगा, वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब वीक होगी उसके कारण डिसइंटीग्रेशन होगा, ये चीजें याद रखना है, और उसी को हाइड्रेशन बोलते हैं। अब आता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, समझने की कोशिश करना बहुत आसानी से, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ नहीं है, हाइड्रेशन को बस इतना सा समझो, जब वाटर रॉक के अंदर जो मिनरल्स हैं उनके साथ कंबाइन होता है, तो वहां पर उन मिनरल्स के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके कारण वो एक नया नया कंपाउंड फॉर्म करता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो नया केमिकल कंपाउंड, और जब नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसमें क्या होगा, वो अलग फॉर्म में आएगा, उसके बाद वो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, फिर नया कंपाउंड फॉर्म करेगा, और ये रिपीटेशन होती रहेगी, और उसमें वो रॉक है वो वीक पड़ जाएगी, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, और उसमें वेदरिंग हो जाएगी, उसको बोलते हैं हाइड्रोशन। तो हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, और उसी के साथ साथ सॉल्यूशन, ये कवर कर लिए, फिजिकल वेदरिंग में सारे फिजिकल वेदरिंग के प्रोसेस कवर कर लिए, और अब हम बात करते हैं आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी चीजें जिसके अंदर लाइफ है, बायो मतलब लाइफ, ऐसी चीजें जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है वो हेल्प करती है वेदरिंग में, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। समझने की कोशिश करना, जिसके अंदर आपका
लाइफ है ऐसी चीज अगर वेदरिंग में रोल प्ले कर रही है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि प्लांट उसके अंदर लाइफ है, ठीक है, एनिमल्स हम भी हो सकते हैं या लाइकेन हो सकती है, मोसेस एंड लाइकेन होती हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है, या किसी तरीके के जो बैक्टीरिया हैं उनका डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होने से उनकी बॉडी से एसिड रिलीज होगा, किसी तरीके से वो रॉक के ऊपर रहेगा, रॉक को डिसॉल्व वेदर करेंगे, इस तरीके से समझने की कोशिश करना। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ मिनरल फ्रॉम एनवायरनमेंट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मान के चलिए प्लांट है, इस प्लांट की रूट है, ये रूट क्या कर रही है, इस रॉक के अंदर घुसती जा रही है, और जब किसी रॉक के अंदर रूट घुसेंगी तो उसको ब्रेक करना स्टार्ट करेंगी, उसको वेदर करना स्टार्ट करेंगी। किसका एग्जांपल है? बायोलॉजिकल वेदरिंग। उसी के साथ साथ हमारे ऊपर लाइकेन है, हमारे ऊपर कोई रॉक है उसके ऊपर लाइकेन है, ये लाइकेन क्या कर रहा है, इस रॉक की डीकम्पोजिशन कर रहा है, किसी तरीके से डीकम्पोजिशन और वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मैकेनिकल और केमिकल तरीके से, ये क्या है, एक तरीके से मैकेनिकल है ना, फोर्स लगा के कर रहा है, केमिकल मतलब किसी तरीके से जो ऑर्गेनिक है, मान के चलिए कोई बैक्टीरिया है, कोई ऑर्गेनिक मैटर है, जब उसका डीकम्पोजिशन होगा तो डीकम्पोजिशन होगा, अब यहां पर एक बैक्टीरिया है उसका डीकम्पोजिशन हो गया, अब ये डीकम्पोजिशन हो गया, अब इसके साथ रेन वाटर और आ गया, तो इस रेन वाटर के साथ जो ये बैक्टीरिया जिसका डीकम्पोजिशन हुआ है वो क्या करेगा, एक्ट एज अ एसिड, एक एसिड बना लेगा, और ये एसिड क्या करेगा, इस रॉक को ब्रेक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग। दैट मीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मैटर है, उनका डीकम्पोजिशन होने के कारण रॉक ब्रेक हो रही है, या जो प्लांट की रूट्स हैं वो ब्रेक कर रही हैं। अब आप बोलोगे सर बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर माइनिंग आएगा, क्वेरिंग आएगा, जो माइनिंग करते हैं क्वेरिंग करते हैं वो भी बायोलॉजिकल वेदरिंग है? नहीं, वो एक तरीके से वेदरिंग का एग्जाम्पल है, बट वो बायोलॉजिकल वेदरिंग नहीं है। बायोलॉजिकल वेदरिंग नेचुरल है, हम उसको तोड़ रहे हैं जाकर माइनिंग में, बट ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, बट इसका मतलब नहीं है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग हैं वो आपको बताएंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग है, बट याद रखना वो बायोलॉजिकल वेदरिंग नहीं है। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है? बायोलॉजिकल वेदरिंग में जब आपका ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन होता है, या प्लांट्स किसी भी तरीके से रूट्स जो होती हैं वो किसी रॉक को ब्रेक करती हैं, उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। अगर मैं बात करूं जो लाइकेन एंड मोसेस हैं वो किसी रॉक के ऊपर ग्रो करेंगी, जिसके कारण वहां पर एक केमिकल माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और वो उस रॉक को वेदर करना स्टार्ट कर देंगी। क्लियर है? ये चीजें आपको याद रखनी है कैसे कैसे होता है। वहीं पर प्लांट और एनिमल जब डीके होंगे तो उनका जो मैटर है वो बेसिकली ह्यूमिड कंडीशन में वाटर के साथ एक कार्बनिक एसिड बनाएगा, जो कि आपका डीके करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रॉक को। वहीं पर जैसे आपका जो एल्गी है वो यूटिलाइज करता है मिनरल्स को फॉर द ग्रोथ एंड हेल्प इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीज ऑक्साइड, और रॉक का वेदरिंग करना स्टार्ट कर देगा। सो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सर आपकी जितनी भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, मान के चलिए आपकी जो ब्लॉक सॉइल है वो ब्लैक सॉइल कैसे बनी? वेदरिंग हुई होगी इग्नीशियस रॉक की, बनी तभी तो, और कैसे हुआ? जो आपकी एलुवियल सॉइल है वो कैसे बनी? जब हमारी रिवर्स है वो क्या कर रही है, ऊपर से पहाड़ों को काट काट के लेके आ रही है, और उसको क्या कर रही है, जो हमारी रिवर्स है वो नीचे आके डिपोजिट कर रही है, और क्या हो रहा है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो याद रखना वेदरिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सॉइल है उसके फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किससे, रॉक से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लैक सॉइल है उसकी रॉक कौन सी है, तो आपको बताना है इग्नीशियस रॉक। अगर आपसे बोला जाए कि एलुवियल सॉइल है इसकी रॉक कौन सी है, तो आपको बताना है माउंटेन की रॉक है, जो हिमालय है वहां से वेदरिंग हुई है। सो वेदरिंग वीकेंस सॉइल एंड रॉक्स एंड मेक इजी टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमारी रॉक्स में से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो माइनिंग क्वेरिंग करते हैं, उसमें क्या होता है, जो बहुत हार्ड चट्टाने होती हैं वेदरिंग उनको सॉफ्ट कर देती है, जिसके कारण हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वेदरिंग लीड्स टू नेचुरल सॉइल एनरिचमेंट, जो हमारे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एनरिचमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इरोजन क्या करेगी, उनके न्यूट्रिएंट्स को वॉश अवे कर देगी, जैसे हैवी रेनफॉल हो रही है तो वो क्या करेगी, लीचिंग कर देती है, सारे न्यूट्रिएंट को वॉश अवे कर देगी, बट वेदरिंग क्या करेगी, उसको वहां पर न्यूट्रिएंट को डिपॉजिट करके एनरिच कर देगी सॉइल को। वेदरिंग लीड्स टू मिनरल एनरिचमेंट ऑफ द सर्टेन ओर बाय लीचिंग अनवांटेड मिनरल एंड लीविंग बिहाइंड द वैल्युएबल वंस। दैट मींस कहीं पर हमारा एक रॉक है,
उसके अंदर मिनरल्स हैं, बट कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो अनवांटेड है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो वेदरिंग का प्रोसेस होगा तो उसमें इरोड होगा, इरोजन होगा, तो उसमें क्या होगा, जो अनवांटेड है वो वॉश अवे हो जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उस ओर के अंदर वो रह जाएंगे, जिसके लिए हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, याद रखना. अब ये तो बात हो गई वेदरिंग, अब इरोजन भी होता है. इरोजन का मतलब क्या है, जो भी चीज यहां पर वेदर्ड हुई है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसको बोलते हैं इरोजन. वो चीजें हम पढ़ेंगे अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर कि कैसे कैसे होता है. आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हमारे जो डेजर्ट से वहां पर लैंडफॉर्म का क्रिएशन कैसे होता है, उसी के साथ साथ हम कोस्टल एरिया में लैंडफॉर्म का क्रिएशन कैसे होता है उसके बारे में भी बात करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप इनको समझोगे तो समझ में आएंगी. अब मैं बात करूं इरोजन में क्या होता है, जो चीजों को यहाँ पर वेदरिंग हुई है उनको इरोड करके किसी दूसरी जगह पर जाकर डिपोजिट करना, वो कौन करेगा, सर वो करेगी हमारी विंड. और कौन करेगा वो, सर वो करेगी हमारा वॉटर, जो हमारी रिवर्स है हमारे कोस्टल एरिया पर. और कौन करेगा, वो करेंगे सर हमारे ग्लेशियर्स. सो दीज आर द एजेंट्स जो हमारे इरोजन में हेल्प प्ले करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट वेदरिंग एंड इरोजन. यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो. क्लियर, फटाफट जल्दी से बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो यहां पर तो मुझे बताइए. गाइज अब मैं बता दूं, ये हमारे 14 चैप्टर हो गए हैं यहां तक. कल शाम को 7 बजे 7 PM हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 7 PM पे, याद रखना 7 PM पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है. YouTube पर जहां पर हम ज्योग्राफी के जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं उनके सबके MCQ क्वेश्चंस कवर करेंगे. फ्री क्लास है YouTube पर, यहीं पर मिलेंगे 2 से 3 घंटे की. सारी जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उन सबको कवर करेंगे, ठीक है. चीजें थोड़ा सा टफ है, अपने आप पढ़ोगे और बेटर तरीके से कवर होंगी. मैंने मैक्सिमम तरीके से आप लोगों को हेल्प की है कि चीजें कवर हो पाए. आप खुद से बुक में पढ़ोगे आपको समझ में भी नहीं आएंगी. मैंने मैक्सिमम जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो आप लोगों को कवर करने की कोशिश की है कि सारे कंसेप्ट क्लियर कर सके, और जो चीजें और बेटर होंगी वो अपने आप हो जाएंगी. कल हमारा अनअकैडमी ऐप पर सेशन है, 9 बजे है आपका टॉप इन्वायरमेंट के MCQ, उसके बाद दोपहर 12 बजे संकल्प मेंटरशिप प्रोग्राम के MCQ, दोपहर के 3 बजे आपका पॉलिटी के टॉप MCQ, और शाम को 7 बजे हमारा होने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ सेशन है, आपका ज्योग्राफी के जितने भी सेशन हुए हैं उनका. क्लियर है, ओके गाइस. उसी के साथ साथ गाइस कल आखिरी दिन है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का, जिसके अंदर 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है. अगर आप AM10 कोड यूज करते हो, कैपिटल AM10, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अप टू 50% तक, प्लस मेरी मेंटरशिप मिलेगी, प्लस मेरी गाइडेंस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, टाइम टेबल, चीजें कैसे करनी है, किस अप्रोच के साथ करनी है, उन सब चीजों में आपको हेल्प ले होगी, ठीक है. कल आखिरी दिन है, ये कोड है कैपिटल AM10. कोई भी डाउट है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, Unacademy_अनिरुद्ध मलिक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, Unacademy_अनिरुद्ध मलिक, इसको ज्वाइन कर लीजिए. वहां पर सारे नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी. Unacademy_अनिरुद्ध मलिक टेलीग्राम चैनल है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Unacademy_अनिरुद्ध मलिक, ठीक है, वहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स प्लस मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो सब मिल जाएगा. आंसर राइटिंग भी करवाएंगे आगे चल के, पर जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट है वो कवर करता जा रहा हूँ, और इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. AM10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कल आखिरी दिन है और कल 7 PM पर हमारी क्लासेस हैं, उसको मिस मत कीजिएगा. आज का सेशन थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगा होगा, बट मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे चीजें बेटर से बेटर होती चली जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ. रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, याद रखना. उसके बाद हम माउंटेन बिल्डिंग को पढ़ेंगे, फिर आगे की चीजों को पढ़ेंगे. ये थोड़ा सा टफ है, बहुत सारे लोग इस चीजों को पढ़ाते नहीं है, क्या है कैसे है, क्योंकि लोगों को लगता है फ्री में ये चीज पढ़ाने लायक नहीं होती, प्लस पर ही चीजें मिलेंगी आइकॉनिक पर, वहां पर और बेटर तरीके से मिलेंगी. बट मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाए. तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं. बाय, टेक केयर गाइज,
गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. कल मॉर्निंग में 9 AM, 12 PM ऐप पर और 3 PM ये तीनों सेशन ऐप पर हैं, और 7 PM यहाँ पर मिलेंगे, जिसके अंदर हम ये MCQ क्वेश्चंस करेंगे जितने भी हमारे चैप्टर्स के थे. बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. लाइक शेयर करते रहिए, रेगुलर आते रहिए सेशन को.